ओके, फटाफट ज्वाइन हो जाइए सब लोग। तुरंत से भी पहले ओके, चलो हम शुरू करने वाले हैं बच्चों। रेडी? पहले थोड़ा ट्रेलर दिखा दूं तुमको जिंदगी में, फिर ओके। सो हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम वाव क्लास डॉट कॉम विद द कैमरामैन दर्शन खरे। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी बैच दैट इज 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ। ठीक है, ये आज हम शुरू करने वाले। सो व्हाट आई विश, सबसे पहले तो जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको मैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल दूँ। सो गुड मॉर्निंग हिमांशी, गुड मॉर्निंग आयुष, और भी दो तीन लोग ज्वाइन हुए हैं। कमेंट करो जिंदगी में गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा विश करो, लाइफ के अंदर कुछ जाएगा नहीं तुम्हारा। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग टू एवरीवन। और 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ में आप सबका स्वागत है, मैं हूं दर्शन खरे। पहले कुछ मेरे बारे में। अच्छा, जो GDPD में पार्ट ए कंप्लीट करके आए हैं, थोड़ा सा पहले आधा एक घंटा आज मेरे साथ बियर कर लेना, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं लाइव स्ट्रीम वालों को, एंड एट द सेम टाइम जिन्होंने ग्रुप वन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है मेरे साथ उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, वो मैं पहले दे दूंगा, फिर उसके बाद में आज के कंटेंट के ऊपर हम मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो आ जाइए फटाफट, तुरंत से भी पहले बोर्ड के ऊपर फटाफट फटाफट आ जाइए। गुड मॉर्निंग बड़ा शुभम, ज्वाइन कर लीजिए जितने फास्ट हो सकता है उतने फास्ट। एक दो लोगों के लिए और रहा, देखते हैं। चलो तब तक के कुछ मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर उसके बाद में आगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, माय नेम इज दर्शन खरे, आई एम फ्रॉम अमरावती सिटी। मैंने CA कंप्लीट किया था जून 2009 में, और मैंने CS कंप्लीट किया था दिसंबर 2010 में। मैंने एक डेढ़ साल तक के आर्टिकलशिप की थी, एक डेढ़ साल तक जॉब किया था आफ्टर आर्टिकलशिप, एंड उसके अंदर मैंने काफी सारे लिस्टेड कंपनीज वगैरह के ऑडिट किए। और फिर पिछले 10 सालों से, 10 ईयर्स मैं पढ़ा रहा हूं लॉ सब्जेक्ट एट द CA फाइनल लेवल। 10 ईयर्स पहले मैंने CA फाइनल लेवल पे शुरू किया था, कुछ 5 ईयर्स से मैं नियरली CA इंटर लेवल पे पढ़ा रहा हूं, और कुछ एक डेढ़ साल से, 2 साल से मैं CA फाउंडेशन के ऊपर इसको पढ़ा रहा हूं। सो आज हम हैं 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ में। गुड मॉर्निंग बेटा इशिका, गुड मॉर्निंग सौरभ, सबको गुड मॉर्निंग। आज हम हैं 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ में, और सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ब्रीफ दे दूं कि हमारे लेक्चर्स किस तरीके से जाने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं मेरे साथ बियर करना, अगर कोई पार्ट ए देख चुका है फेमा IBCA PMLA तो मेरे साथ प्लीज बियर कर लेना कुछ हाफ आर, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस काफी देना जरूरी है पार्ट बी के हिसाब से। सो प्लीज उसको बियर कर लेना। आपका 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ जो है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है पार्ट नंबर ए, जिसके अंदर तीन टॉपिक आते हैं, फेमा IBC PMLA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये पार्ट ए है। पार्ट बी में तीन टॉपिक आते हैं, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पिटिशन एक्ट। ये तीन टॉपिक आते हैं पार्ट बी में। पार्ट ए के अंदर जो तीन टॉपिक है वो ग्रुप वन सब्जेक्ट फॉर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में कॉमन टॉपिक्स है। कॉमन टॉपिक उधर भी सेम है, इधर भी सेम है, जैसा का वैसा। तो इनके लिए मैं आपको लेटेस्ट रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, 17 से 18 लेक्चर्स लेटेस्ट रिकॉर्डिंग। अभी हमने मार्च अप्रैल में जस्ट कल ही CA फाइनल का बैच का हम लास्ट बट वन लेक्चर ले रहे थे, फिर भी उनका एक बैच बाकी, एक लेक्चर बाकी है, वो हम लेने वाले। उस बैच से कुछ स्टूडेंट ये बैच में भी शिफ्ट हुए हैं, तो ये चीज को याद रखना। सो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 17 से 18 लेक्चर्स का, वो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर फेमा IBCA PMLA बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख लोगे तो ग्रुप वन सब्जेक्ट फोर के हिसाब से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने डिस्कस किए हैं। एट द सेम टाइम 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ का भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन वहां पे हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पढ़ाया ही ऐसा है याद करने के हिसाब से, और 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ तो ओपन बुक सिस्टम है हमारा। ठीक है, और सर ओपन बुक सिस्टम है और आपको ऑलरेडी अगर कंटेंट याद है तो ऑब्वियसली बात है आपको इससे काफी हेल्प होगा। ठीक है, सो ये 17-18 लेक्चर्स में आपको कॉमन दे रहा हूं, जिससे आपको दोनों ग्रुप के सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हो जाए विथ क्वेश्चन एंड आंसर।
बट ये भी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट 6D इकोनॉमिक लॉ में फेमा, आईबीसी और पीएमएलए, इसके कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी है, ठीक है, फेमा, आईबीसी और पीएमएलए के कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी यहां पे 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ में दिए हैं। अब वो तीन चार एडिशनल टॉपिक्स हम लेंगे, हम उसको लाइव स्ट्रीम में ही लेंगे, ठीक है, ये एक्चुअली पार्ट ए का ही एरिया है बट हम उसको लाइव स्ट्रीम में लेंगे जब हमारा रेरा, बेनामी प्रॉपर्टीज और कॉम्पिटिशन एक्ट, ये तीन टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे। नियरली रेरा, बेनामी प्रॉपर्टीज और कॉम्पिटिशन एक्ट के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 15 लेक्चर्स एट मैक्स हमारे जाएंगे, 17 भी नहीं जाएंगे, मैंने थोड़ा सा कल टैली किया तो 15 to 17, बट जहां तक मुझे ऐसा लगता है 15 लेक्चर्स में हम ये तीन टॉपिक कंप्लीट करेंगे और आज से हम इसका लाइव स्ट्रीम शुरू कर रहे हैं 15 में 11 से 2 PM। अगर आप GD या PD लेक्चर्स देख रहे हो, गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपने पार्ट ए पहले कंप्लीट करना है पूरा और फिर आपने पार्ट बी के ऊपर जाना है। हालांकि अगर आप लाइव स्ट्रीम में हो मेरे साथ, जैसे यहां पे लाइव स्ट्रीम में कुछ लोग जुड़े हैं, हाय बच्चों, आपने मेरे साथ अगर ये कंप्लीट कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं इमीडिएटली यहां समझा सकता हूं, हम ग्रुप पे डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, मैं आपको चीजें बता सकता हूं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं खुद जब खुद ही इंसान प्रेजेंट है तो तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम जो डायरेक्टली अगर कोई पार्ट बी से लाइव स्ट्रीम में सिर्फ ज्वाइन कर रहा है रेरा भी मेरा भी प्रॉपर्टीज और कॉम्पिटिशन एक्ट के लिए, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप बिंदास इसको देख सकते हो, आपको समझ में भी सब आएगा। पर सिर्फ लाइव स्ट्रीम में जो ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टली चैप्टर को, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ पार्ट ए का लेक्चर 0 या लेक्चर 1 होगा, लेक्चर 0 एंड लेक्चर 1 होगा, उसको आज आप सिर्फ कंप्लीट कर लीजिएगा ये लाइव स्ट्रीम होने के बाद, क्योंकि दैट इज अबाउट बेसिक्स ऑफ लॉ, कि लॉ कैसे बनता है, कैसे, वैसे उसका आज के लेक्चर में काम नहीं है ज्यादा, बट फिर भी आज अगर आप उसको कंप्लीट कर लो, लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे जो अभी ये बी पार्ट मेरे साथ देखना चाहते हैं, वो अगर लेक्चर 1 देख लो, लेक्चर 0 देख लो, लाइव स्ट्रीम लेक्चर 1 लेक्चर 0 देख लो पार्ट ए का, तो उसके अंदर बेसिक्स ऑफ लॉ मैंने मेंशन किया है, वो आपको थोड़ा बहुत कल परसों या नर्सों के लेक्चर में काम में आएगा, तो उसको आज थोड़ा कंप्लीट कर लेना। बाकी आप सिर्फ लाइव स्ट्रीम में फिर मेरे साथ बने रहिए, 15 लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिए फिर आपने ये देख लिया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे ही हमारा रेरा, बेनामी प्रॉपर्टीज और कॉम्पिटिशन एक्ट खत्म होता है, वैसे ही हम फेमा, आईबीसी और पीएमएलए के जो भी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके ऊपर एक एक लेक्चर लेंगे, नियरली 3 से 4 लेक्चर वो एडिशनल होंगे। सो अगर आपको मैं बोलूं तो आपका कंटेंट लेक्चर ये नियरली 17 से 18 लेक्चर्स ये, और ये नियरली 20 लेक्चर्स के आसपास, मतलब आप कंसिडर कर सकते हो 35 से 37 लेक्चर्स के अंदर आपका पूरा कंटेंट फिनिशअप हो जाएगा। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। पर सर एक चंपत नाम का हमारा एक स्टूडेंट है, चंपत, ठीक है, चंपत शायद आप जानते नहीं हो, चंपत नाम का हमारा स्टूडेंट है, हमेशा उसको हमेशा कोई ना कोई क्वेरी आती ही रहती है, तो मेरे को हमेशा पूछता है, तो उसने मेरे को पूछा सर बट प्रॉब्लम यह है कि 6D इकोनॉमिक लॉ में सर बहुत सारे केस स्टडीज पूछे जाते हैं, सर सिर्फ केस स्टडी का सवाल है सर, ये तो आप केस स्टडी कैसे करवाओगे? तो भाई साहब, इंस्टीट्यूट ने 50 केस स्टडीज का एक बुक लॉन्च किया है, वो 50 केस स्टडीज में से 20 से 30 केस स्टडीज में आपको सिखाऊंगा। पहले मैं ऐसा सोच रहा था कि ये 20 से 30 केस स्टडीज के लिए 10 लेक्चर सेपरेटली ले लूं और आपके 37 लेक्चर्स को हम 47 पे पहुंचाए। फिर मैंने यह सोचा कि 10 लेक्चर्स हम सेपरेटली ले ले, मतलब अभी आपके पास ऑप्शन है लाइव स्ट्रीम वालों के पास, मुझे ये रादर बेटर लगा कि हम 10 लेक्चर लेने से बेटर डेली एक केस स्टडी ले नियरली 30 डेज तक आफ्टर द एंड ऑफ बैच, मतलब आपका बैच फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है, तुरंत से भी पहले आपका बैच खत्म हो जाएगा, 15-20 दिन के अंदर ही हम आपका बैच फिनिश कर देंगे, ठीक है। और अभी 5 days a week हम बैच लेने वाले हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया 5 days a week बैच है, तो हम नियरली 15-20 लेक्चर हमको यहां पे लेने हैं, ये 15 लेक्चर्स और लाइव स्ट्रीम के और ये एडिशनल टॉपिक के 3-4 लेक्चर्स, तो हम 15-20 दिन के अंदर ये बैच खत्म कर देंगे और फिर डेली यूट्यूब के ऊपर मैं नियरली 30 केस स्टडीज 30 दिन तक डिस्कस करता रहूंगा। सर पर हमारा मे एग्जाम है, अभी आपका मे एग्जाम नहीं है, और देर आर चांसेस, हालांकि इसको रूमर मत बनाना प्लीज, बट देर आर चांसेस कि पैंडेमिक तो देखते हुए, मेरे को किसी भी इंस्टीट्यूट के पर्सन से इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं आया, बट पैंडेमिक के हादसे को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं एग्जाम वापस से कंडक्ट किया जाएगा करके, ठीक है। सो देर आर चांसेस कि मैं एग्जाम शायद नहीं होगा, तो आई होप सो सब नवंबर के लिए कर रहे होंगे, तो डेली एक एक केस स्टडी भी अगर मैंने ले लिया तो नियरली आपका
यू कैन से 30 दिन के अंदर सेपरेट 30 केस स्टडीज हो जाएंगे, नियरली 10-20 केस स्टडीज में आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, जो कॉमन कॉमन से दिखते हैं, जो सिमिलर से दिखते हैं वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, इससे आपका काफी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो मैं रादर ये बिलीव करता हूं कि हम 10 लेक्चर्स यहां पे नहीं लेंगे और हमारी बैच हम 20 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर देंगे, 20 लेक्चर्स के अंदर हम बैच कंप्लीट कर देंगे हमारा फटाफट फटाफट, जैसे आप फ्री हो जाओगे कोई और बैच करने के लिए। फिर डेली एक केस स्टडी के लिए नियरली आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर देना पड़ेगा, सोने के पहले 45 मिनट्स या 1 आवर में आपने एक केस स्टडी देख लेना है, केस स्टडी बुक आपके पास ऑलरेडी होगी, तो आप 45 मिनट्स में 1 आवर में अगर एक केस स्टडी देख लो, डेली अगर आप 30 दिन तक के 45 मिनट्स 1 आवर में एक एक केस स्टडी देखते हो तो आपका काम ही फिनिश हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत भी नहीं रही। मेरे लिए भी इजी हो जाएगा क्योंकि डेली एक घंटा रिकॉर्डिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स कम रहते हैं, इश्यूज कम रहते हैं, तो हम फटाफट एक घंटा रिकॉर्डिंग करके आपको दे सकते हैं। सो ये चीज मुझे ऐसा लगता है, और ये केस स्टडीज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे नॉर्मली YouTube के ऊपर, तो आप जितने भी बार चाहो उतने बार ये केस स्टडीज को रेफर कर सकते हो। ये YouTube के ऊपर आपको अनलिस्टेड अवेलेबल रहेंगे जिसके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो जिसको आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्लान मुझे रादर बेटर लगा। सो सिंपली अभी जो लाइव स्ट्रीम होने वाला है उसके अंदर मैं रिपीट कर दूं, 15 से 17 लेक्चर्स हम ये 3 टॉपिक के लेंगे, 3 से 4 एडिशनल लेक्चर हम फेमा आईबीसी और पीएमएल के लेंगे, ठीक है, फेमा आईबीसी और पीएमएल के लेंगे, ठीक है, और फिर हम डेली एक केस स्टडी अगले 30 दिन तक चलने देंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप डेली एक एक केस स्टडी देख सकते हो, जिससे आपका प्रिपरेशन भी बहुत स्ट्रांगली हो जाएगा। आई होप सो मैंने आपको जो मेंशन किया है यहां पे वो सबको समझ में आया होगा। गुड मॉर्निंग बेटा शुभ सौरभ, गुड मॉर्निंग शुभम। सो मैंने अभी तक जो आपको एक्सप्लेन किया आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो नियरली अगर आप देखो तो आपकी बैच कंप्लीट हो जाएगी 35-40 लेक्चर्स के अंदर मैक्स, ठीक है, जिसमें से आपको 18 लेक्चर्स कॉमन है, 18 लेक्चर्स कॉमन लेक्चर है, मतलब ग्रुप वन के अंदर आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आप यहां पढ़ रहे हो तो ग्रुप वन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने ग्रुप वन में पढ़ा है तो आपको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो में से एक ही होगा, ठीक है। सो अगर आप यहां पढ़ रहे हो तो ग्रुप वन के 18 लेक्चर बच जाएंगे, और आप वहां पढ़ रहे हो तो यहां के 18 लेक्चर्स बच जाएंगे, तो इससे आपको एडवांटेज ही होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो 35 से 40 लेक्चर्स में से 18 लेक्चर्स आपको हम जीडीपीडी में दे रहे हैं पार्ट ए के, और यहां पे 15 से 17 लेक्चर्स हम यहां पे 15 से 20 लेक्चर्स हम कवर अप करने वाले हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिमेनिंग कंटेंट। डेली एक केस स्टडी हम यूट्यूब के ऊपर लेंगे, जो आप कभी भी आपके हिसाब से आपके मर्जी से आप देख सकते हो, सोने के पहले, जागने के बाद, या सोने के बाद जागने से पहले, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि 10 लेक्चर हम केस स्टडीज के ऊपर एट अ स्ट्रेच लंबे लेंगे तो केस स्टडीज देख देख के भी आप परेशान हो जाओगे, और इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक बैच ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपका प्रिपरेशन लूज होने के चांसेस है, ठीक है। सो अगर ये प्लान सबको पसंद आया तो कृपया मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि प्लान ओके है क्या, तुम्हें समझ में आया क्या, मैंने क्या बोला, उन चीजों को प्लीज कमेंट के अंदर बताइए। गो फॉर इट फास्ट। और अगर किसी को लिखना है तो प्लीज ये लिख के रख लीजिए, मतलब आपको कोई बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको फटाफट नोट करके रखिए। गो फॉर इट फास्ट। सेपरेट केस स्टडी वाइज जो लेक्चर है बच्चों वो आपके यूट्यूब पे ही रहने वाले हैं, जो मैं सेपरेट केस स्टडी, जैसे यहां पे बोला है सौरभ ने, सर सेपरेट केस स्टडी लेक्चर मिलेगा क्या, जो मैं केस स्टडी लेक्चर दे रहा हूं 30 केस स्टडी का, ये यूट्यूब पे ही रहने वाला है, हम उसको जीडीपीडी में नहीं डालेंगे, आप जितने बार चाहो उसको देख सकते हो, इट विल बी रादर वेरी इजी फॉर यू, ठीक है, और आप एक कन्वीनियंस से देख पाओगे। तो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के ऊपर हम अपलोड नहीं करेंगे, उससे आपके रादर इंक्रिप्शन वगैरह के भी चार्जेस बच जाएंगे, दिमाग को टेंशन कम लगेगा, जब भी आपको बाद में कभी भी रेफर करने हैं 2-3 बार तो आप आराम से उसको रेफर कर सकते हो, तो हम उसको यूट्यूब पे ही रखेंगे, ठीक है, अनलिस्टेड फॉर्म में, जिसके लिंक आपको दे दी जाएगी। बुक्स ऑलरेडी आयुष डिस्पैच होना शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कोविड लॉकडाउन की वजह से थोड़े से डिले हो सकते हैं बेटा, क्योंकि हमने तो डिस्पैच करना शुरू कर दिए थे, नियरली 7 तारीख से हमने बुक्स डिस्पैच करना शुरू कर दिए थे। अगर आपका ऑर्डर अभी अभी आया है पिछले 2-3 दिन में, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे दिन बुक्स डिस्पैच किए होंगे, आपको 7 से 10 दिन में मिल जाएंगे। जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया है 7 तारीख के बाद वाले, जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया उसके नेक्स्ट डे ही बुक्स डिस्पैच हो जाते हैं। अब आपके सिटी में लॉकडाउन है या कुरियर सर्विसेज के इश्यूज है तो बस उसको थोड़ा सा देखना, आपको ऑटोमेटिकली शिपमेंट नंबर जनरेट हो गया होगा, उसके ऊपर एक बार ट्रैकिंग कर लीजिएगा।
इसको लिख लीजिएगा, लिखना होने के बाद डन डना डन बोल दीजिएगा कमेंट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दो लोगों ने डन कर दिया है लिखना, एक दो लोग और डन कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चल डन एवरीबॉडी, ओके। सो आई होप सो सबका लिखना हो गया होगा। यहां पे शुभम ने पूछा है सर केस स्टडी के लेक्चर भी लाइव स्ट्रीम में ले लेना, तो हम टाइम बाउंड हो जाएंगे ऑफ कोर्स। जैसे ही मेरा यहां पे अपना लेक्चर्स खत्म होएंगे उस वक्त अपन टाइम डिसाइड कर लेंगे कि केस स्टडी के लेक्चर कौन से समय पे लेने चाहिए, ठीक है। और डेली अपन एक एक केस स्टडी 45 मिनट्स टू वन आवर में लेंगे, तो एक स्पेसिफिक समय डिसाइड कर लेंगे जिसके अंदर आपका कोई दूसरा बैच आप शेड्यूल ना किए हो, वो वाला समय थोड़ा सा ऑड वाला कि भैया रात को सोने के पहले जस्ट केस स्टडी ले लिया और फिर सो गए, ऐसा कुछ तो भी अपन समय डिसाइड करेंगे 45 मिनट्स का, फटाफट लेक्चर लेंगे और उसके बाद में आप कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। तो ये हम लेक्चर्स के एंड में डिसाइड करेंगे जैसे ही हमारा ये वाला सिलेबस कंप्लीट होते आएगा, ठीक है। सो आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। चल अब क्लास हम शुरू कर रहे हैं, तो क्लास शुरू करने के पहले के कुछ रूल्स मैं आपको मेंशन कर दूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप अगर आपके नोट्स देखोगे तो उसको काफी अच्छे से ड्राफ्ट किया है, ठीक है। नोट्स के अंदर आपको फेमा आईबीसी और पीएमएलए के नोट्स मिलेंगे, और इसके अंदर मैंने दो पार्ट किए होंगे हर चैप्टर में, फेमा पार्ट वन फेमा पार्ट टू, आईबीसी पार्ट वन आईबीसी पार्ट टू एंड पीएमएलए पार्ट वन पीएमएलए पार्ट टू, ऐसे हमने दो दो पार्ट्स इसके अंदर किए होंगे, ठीक है। पार्ट वन में आपको वो एरिया दिखेगा, पार्ट वन में आपको वो एरिया दिखेगा जो सब्जेक्ट फोर ग्रुप वन में कॉमन है, और पार्ट टू में आपको वो एरिया दिखेगा जो एडिशनल टॉपिक है 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ के लिए, ठीक है। जब आप आओगे रेरा बेनामी प्रॉपर्टीज और कॉम्पिटिशन एक्ट में, तो आपको दिखेगा कि आपका एक साइड प्रिंटेड है और एक साइड ब्लैंक है, थोड़ा इसको चेक कर लेना। आपका एक साइड प्रिंटेड रहेगा, एक साइड ब्लैंक रहेगा, एक साइड प्रिंटेड रहेगा, एक साइड ब्लैंक रहेगा, और अगर वो ब्लैंक नहीं है तो आप रजिस्टर में भी चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। हालांकि मैंने चार्ट लिखने के लिए आपको काफी समय देना है, चार्ट बहुत सारे हमको कॉपी करने हैं, सो आपका एक साइड प्रिंटेड रहेगा, एक साइड ब्लैंक रहेगा, एक साइड प्रिंटेड रहेगा, एक साइड ब्लैंक रहेगा। अगर कभी किसी के बुक के अंदर कोई प्रिंटेड या ब्लैंक में इश्यू है तो वो रजिस्टर के अंदर भी चार्ट कॉपी कर सकता है, दैट्स नॉट अ इश्यू एट ऑल, बट इससे आपको काफी हेल्प हो जाएगा ओपन बुक सिस्टम में। मैं बिलीव करता हूं ओपन बुक सिस्टम में एक ही बुक लेके जाना सबसे कामगार चीज है। मैं एक से ज्यादा बुक 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट में बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता। रीजन उसके पीछे यह है कि अगर आप बुक्स ही दो तीन लेके जाओगे तो आपको कितने सारे बुक्स के थ्रू शफल करना पड़ेगा। सो मेरा बेसिक इंटेंशन, भले ही बुक बड़ी बन जाए ऑप्शनल सब्जेक्ट 6D इकोनॉमिक लॉ में, भले ही बुक बड़ी बन जाए, पर एक सिंगल बुक होनी चाहिए, उसका इंडेक्स होना चाहिए, और उस इंडेक्स के साथ में ही आपने उस बुक को यूज करना चाहिए। क्योंकि जब बुक नंबर ऑफ बुक्स दो तीन हो जाएगी तो आपको वहां पे अगर 5 सेकंड भी एग्जाम में आपके बुक शफलिंग के अंदर चले जाते हैं ना, तो भी ये गलत चीज है। इसलिए मैंने पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ एक सिंगल बुक के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। उसमें मॉड्यूलिंग हो सकता है बट नॉर्मली एक सिंगल बुक के अंदर, और एक
केस स्टडी बुक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो कंटेंट आपका नियरली एक बुक के अंदर ही रहेगा, ठीक है। यह चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। अब साथ साथ में भले ही आपका एक पेज प्रिंटेड एक पेज ब्लैंक क्यों ना हो, आपने एक बात याद रखना है, एक रजिस्टर आपने साथ साथ में मेंटेन करना है जो आपको जरूरी पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग अनदर चार्ट्स। दूसरे चार्ट्स लिखने के लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए जो रजिस्टर आपको काफी जरूरी पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग द चार्ट्स, ठीक है। यह चीज को आपने याद रखना। एट द सेम टाइम जब मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं तो किसी भी बंदे ने किसी भी तरीके से सेलफोन्स को यूज करना अवॉइड करना है, किसी भी बंदे ने किसी भी तरीके से देखा जाए तो कोई भी दूसरी हरकतें बाबू सोना पिकाचू को फोन करने वाली हरकतें अवॉइड करनी है। अगर मुझे पता चला कि मैं पढ़ाते वक्त किसी ने अगर फोन वोन यूज किया तो याद रखना घर पे आऊंगा 24 घंटे के लिए फोन को इन्वेस्टिगेट कर दूंगा, उस फोन के ऊपर चैटिंग भी मैं ही करूंगा। फिर मत बोलना कि सर मेरा अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था तुमने जिंदगी में तुड़वा दिया, ठीक है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा। बोलने का मतलब ये, प्लीज सेलफोन्स वगैरह अवॉइड कीजिए, आप लेक्चर प्रॉपरली देखिए, लेक्चर यूज होने के बाद में आप चार्ट वार्ट कॉपी कर रहे हो, ब्रेक वेक है उस वक्त आप सेलफोन यूज कर सकते हो। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, किसी को कोई क्वेरी है तो कृपया पूछ लीजिए, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर की कोई रिगार्डिंग क्वेरी है तो पूछ लीजिए, क्योंकि यहां से हम कंटेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। गो फॉर इट फास्ट। सो कोई क्वेरी है तो कृपया पूछ लीजिए बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं एक दो मिनट के लिए, क्वेरीज पूछ लीजिए फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। गो फॉर इट फास्ट। सवाल है सर क्या वो 50 केस स्टडीज आपने अपने मॉड्यूल में दिए, केस स्टडी का पूरा बुक ही सेपरेट दिया है बेटा, 50 केस स्टडीज मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, पूरा केस स्टडी का 50 केस स्टडी का बुक ही बना के दे दिया है, ठीक है। तो आपको दो मॉड्यूल मिलेंगे, बुक्स भी बोल दूं, एक आपको मेन मॉड्यूल मिलेगा जिसके अंदर सभी कंटेंट लेक्चर है, ठीक है, और ग्रुप वन के फेमा आईबीसी और पीएमएल के हिसाब से भी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ग्रुप वन में वो भी मेन मॉड्यूल में है, और केस स्टडी का एक सेपरेट ही मॉड्यूल है जो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को मॉड्यूल ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ होगा, सो आई गेस कि उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये कंटेंट मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, अभी हम जाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर, ठीक है, और नेक्स्ट कंटेंट अभी आज से हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग रेरा बेनामी प्रॉपर्टीज और कंपटीशन एक्ट, ठीक है। जो लोग जीडीपीडी में लेक्चर्स देख रहे हैं मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप पार्ट ए पहले कंप्लीट कीजिए, जो लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं आज मेरे साथ वो लेक्चर कर सकते हैं पर उनने पार्ट ए का जीरो लेक्चर नंबर या लेक्चर नंबर वन, ये दो लेक्चर्स आपने कंप्लीट करने, लेक्चर जीरो या वन करके होगा, आई गेस लेक्चर वन ही होगा, वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, फिर ही कल के लेक्चर से आप वापस कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहले आज हम बात करते हैं थोड़ी सी सिलेबस की, कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, उनका क्या वेटेज है, किस तरीके से ये चीजें पढ़ाई जाएगी, किस तरीके से हम चीजें देख सकते हैं, किस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं, इन चीजों को आज हम समझेंगे। क्लास के रूल्स के अंदर मैं कुछ चीजें मेंशन कर रहा था। पहला रूल है जैसे आपने एक 200 पेजेस का रजिस्टर मेंटेन करना है। दूसरा रूल है कि आपने क्लास के अंदर सेलफोन्स यूज नहीं करने हैं। रूल नंबर 3, जब भी मैं कोई सवाल पूछूं तो मेरे को कमेंट्स में जवाब चाहिए, जवाब पाइजे मंजे चाहिए मंजे पाइजे। अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसको अटेम्प्ट की कसम, सर तुम सीधा सीधा अटेम्प्ट की कसम देते हो, हां उसके सीधा तुम काम नहीं करते हो ना,
करूं क्या जिंदगी में, बहुत एक्सपीरियंस है 10 साल का, बच्चों का सवाल पूछ पूछ के थक जाता हूं, कोई रिप्लाई नहीं होता है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब भी नहीं पता होता, बोलना पता नहीं, ठीक है, लेकिन रिप्लाई चाहिए जिंदगी में। जहां आपने रिप्लाई देना बंद कर दिया, वहां मैं अटेम्प्ट की कसमें देना शुरू कर दूंगा। फिर मेरे को बोलना सर अटेम्प्ट वगैरह की कसम मत दिए, देते जाओ दिल के ऊपर लग जाता है, मेरे को मालूम है तुम्हारे दिल पे लगता है, इसीलिए अटेम्प्ट की कसम देता हूं, याद रखना, ठीक है। चलो अब सबसे पहले आज हम जो काम करेंगे वो ये है कि हम सबसे पहले आज एक्ट के नाम याद कर लेंगे कि बेसिकली हमारे लॉज कौन कौन से हैं और उन लॉज के नाम क्या क्या है, ये हम सबसे पहले आज याद कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट, इकोनॉमिक लॉ ये हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है दैट इज पार्ट नंबर ए, जिसके अंदर हम कवर करते हैं कुछ 3 टॉपिक्स। पहला टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसका ईयर है 1999। अगर आपने पार्ट ए देखा होगा तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। दूसरा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जो आया था 2016 में। तीसरा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट, जिसका ईयर है 2002। ये पार्ट ए के 3 टॉपिक्स है, ठीक है। मैं चाहूंगा फिलहाल आप इनको याद कर लीजिए, 1 मिनट के अंदर इमीडिएटली हम पार्ट बी के ऊपर शिफ्ट होना शुरू कर देंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, ट्री डायग्राम ट्राइब्स ड्रॉ करना है, या आपने एक लाइन में लिखा तो भी चलेगा। पार्ट बी मैं आपको दूसरे साइड लिख के दूंगा, पहले पार्ट ए नोट कर लीजिए और पार्ट ए को याद कर लीजिए, क्योंकि ये 3 टॉपिक आपको ग्रुप 1 में भी आने वाले हैं, तो हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, ये 3 सेपरेट वो 3 सेपरेट, ठीक है। पहले इसको याद कर लीजिए 1 मिनट के अंदर। चलो डन एवरीबॉडी, लिख लिया सबने। डन। सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 पार्ट ए से आपको देखना है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 पार्ट ए से आपने देखना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ये भी आपने पार्ट ए से देखना है। फिर उसके बाद में मैं जा रहा हूं पार्ट बी के ऊपर। जिस तरीके से ये एक्ट लिखे हैं, ईयर याद करने के हिसाब से मैं सिमिलर ईयर के एक्ट एक रो में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सो अब मैं लिखता हूं पार्ट बी वाले लॉज, जिसके अंदर पहला है बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट, इसका ईयर है 1988। दूसरा है रियल इस्टेट
रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, इसको हम रेरा कहते हैं, पर मैं इसको आपको नाम दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर सिर्फ ध्यान देना, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा। इसको हम रेरा कहते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, बट इसका ओरिजिनल नाम अगर आप देखो, आज हम इससे शुरू करने वाले, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है 2016। सो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, और तीसरा वाला इधर जो लॉ है वो है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट का ईयर भी 2002 ही है। अब अगर आप देखो तो नियरली इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड और रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट दोनों 2016 के हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है, कॉम्पिटिशन एक्ट भी 2002 का है, दोनों 2002 के है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999 का है, बेनामी प्रोहिबिशन ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 का है। तो याद रखना काफी आसान है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहां 1999 दो बार 9 है, यहां दो बार 8 है, 1988। ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016, तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। मतलब कोइंसिडेंटली ईयर्स ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। यह है आपका पार्ट बी वाला लॉ, मैं चाहूंगा पार्ट बी के लॉ का भी आप नाम लिख के रखिए। गो फॉर इट फास्ट, एक मिनट देता हूं, फटाफट लिख लीजिए। चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। सब लॉ के नाम तो याद हो गए होंगे नियरली, ईयर के साथ एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ईयर कौन सा है? 1999, वहां 99 है तो 88 वाला। बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988, सिंपल। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016, तो यहां पे रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो यहां पे कंपटीशन एक्ट 2002। याद करना एकदम सिंपल, दिमाग को टेंशन नहीं, ईयर कभी भूलोगे नहीं। दो 2016 वाले, दो 2002 वाले, 1999 वाला एक एंड 1988 वाला एक, सिंपल एज दैट। अब बच्चे ये पढ़ने के बाद इमीडिएटली मुझसे सवाल पूछते हैं, सर सर, मैं बोलता हूं क्या हो गया सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे सर के इनमें से मार्क्स का वेटेज आप बोल सकते हो, किसको कितने मार्क्स का वेटेज है आप बोल सकते हो सर, किसको कितने मार्क्स का वेटेज है? तो मैं बोलना चाहूंगा 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ में देर इज नो सेपरेट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ में मार्क्स का कोई भी सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? व्हाई सर, ऐसा क्यों सर, हर एक सब्जेक्ट में तो होता है सर, क्यों? रीजन इसके पीछे यह है बेटा, बिकॉज दिस इज ओपन बुक केस स्टडी बेस्ड सब्जेक्ट, और इसमें भी जो केस स्टडी वर्ड यूज किया जाता है ना, इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड केस स्टडीज।
अच्छा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और मेरी स्पेलिंग्स तो उससे ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है? तो मतलब देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंग्लिश इन द वर्ल्ड, यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, डीके इंग्लिश, ठीक है? तो मेरी हैंडराइटिंग के ऊपर मत जाना, मेरे स्पेलिंग्स के ऊपर तो तुमने बिल्कुल भी मत जाना, वरना तुम्हारी इंग्लिश भूल जाओगे, कुछ नई इंग्लिश तुम याद करना शुरू करोगे। सो मुझे स्पेलिंग से एकदम मतलब, फ्रेंकली बोलो, मेरे बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं। वो तारे जमीन के ऊपर एक्चुअली मुझे ही कास्ट करने वाले थे तारे जमीन पर मूवी में, क्योंकि मेरा भी सिचुएशन वैसा ही है, थोड़ा डिसलेक्सिया वाला, मेरे को स्पेलिंग याद रहते नहीं है, मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज का लॉजिक ही समझ में नहीं आता, ठीक है? तो मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये मेंशन कर दूं, वो एक्चुअली तारे जमीन पर मुझे ही कास्ट करने वाले थे, तो मेरा नाम दिया था दर्शन करके, वो गलती से उन्होंने दार्शिल लिख लिया तो उसको कास्ट कर लिया, समझ में आ रहा है? तो मुझे ही कास्ट करने वाले थे, पर वो गलती से हो गया, तो एक्चुअली मेरे को स्पेलिंग और मेरी हैंडराइटिंग, ये दो चीजों के ऊपर मत जाना। हाँ, ये बात तय है, जिसकी हैंडराइटिंग गंदी होती है वो सीए बहुत जल्दी बनता है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? बचपन में मुझे हैंडराइटिंग के अवार्ड मिला करते थे स्कूल में, जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आए, तो मैंने मेरी हैंडराइटिंग भी बिगाड़ ली, और स्पेलिंग्स तो मेरे एकदम माशाल्लाह है, आप उसके बारे में भूल ही जाओ, ठीक है? सो उनको छोड़ के यहां पे मैं वापस टॉपिक के ऊपर आता हूं। जो हम केस स्टडीज की यहां पे बात करते हैं, इन केस स्टडीज का नाम है इंटीग्रेटेड केस स्टडीज। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, ठीक है? इंटीग्रेटेड केस स्टडीज का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको फ्रेंकली बोलूं बच्चों, सर देखा है हमने ग्रुप वन में, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर आप ग्रुप वन से बिलोंग करते हो तो आपको इस पूरी सच्चाई पता होगी कि दर्शन सर की हैंडराइटिंग और उनका किस तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है? सो यहां हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड केस स्टडी। इंटीग्रेटेड केस स्टडी का बच्चों बहुत सिंपल मतलब यह होता है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, दो या दो से ज्यादा टॉपिक्स मिला के, दो या दो से ज्यादा टॉपिक या चैप्टर्स मिला के कंबाइन करके एक केस स्टडी पूछा जाता है, एक केस स्टडी पूछा जाता है। दो या दो से ज्यादा टॉपिक मिलाएंगे, नॉर्मली इंस्टीट्यूट जो पूछती है आजकल, या इंस्टीट्यूट ने जो केस स्टडीज इशू किए उसमें तीन टॉपिक मिलाते हैं, नॉर्मली तीन टॉपिक, जैसे फेमा उठा लेंगे, ठीक है, पीएमएलए उठा लेंगे, बिकॉज फेमा पीएमएलए साथ साथ में जाता है, इधर उठा लेंगे बेनामी प्रॉपर्टीज, ठीक है, तीनों को मिक्स करेंगे, केस स्टडी बना देंगे और बोल देंगे सॉल्व करो इसको। So, यहां इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आपके एग्जाम में आती है, और ऐसा एक केस स्टडी, दो तीन टॉपिक मिला के ऐसा एक केस स्टडी देते हैं, और सर एग्जाम में ऐसे एक क्वेश्चन पेपर में, एक क्वेश्चन पेपर में वो आपको 25 मार्क के चार केस स्टडीज देंगे, या हो सकता है आपको 20 मार्क के पांच केस स्टडीज देंगे, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो इंस्टीट्यूट रहम खारी है, 25 मार्क के नॉर्मली चार केस स्टडीज दे देती है, बोलती है बैठो सॉल्व करते हुए जिंदगी के अंदर, ओपन बुक सिस्टम है ना, ढूंढते बैठो जिंदगी में क्या करना है तुमको। तो इंस्टीट्यूट 25 मार्क के चार पूछती है, पर कभी अगर तुमको 20 मार्क के पांच पूछ ले तो एकदम ऐसे हवले जैसा मत करना, ठीक है, एकदम धोखा खाए जैसा मत करना, याद रखना कि यार ये केस स्टडी हमको सॉल्व करने, 25-20 मार्क के भी पांच केस स्टडीज आ सकते हैं। इन केस स्टडीज का एक फायदा यह है, जो भी केस स्टडी आपको पूछेंगे इसका फायदा यह है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव का स्केपेलिंग मेरे को एकदम याद आ गया, एकदम याद आया, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। सो कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आज से ही मैं एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बोलूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम टाइम सेव करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये सेव किया हुआ टाइम हम यूटिलाइज करते हैं। जब हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे, केस स्टडी हाथ में लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको समझना शुरू हो जाएगा कि नहीं, कि भाई ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है? उस वक्त मैं प्रॉपरली आपको गाइड करूंगा, 20-30 केस स्टडीज हम लेने वाले हैं, जिसके अंदर मैं प्रॉपरली गाइड करूंगा कि इसको आपने सॉल्व किस तरीके से करना चाहिए। सो अगर आपका बच्चों ये सवाल है कि सर सेपरेट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हर एक का बताओ, है ही नहीं, दो तीन चैप्टर मिलके जब वो एक केस स्टडी पूछते हैं तो सेपरेट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कहां से देंगे आपको, पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर है? तो मैं चाहूंगा ये भी चीजें आप नीचे नोट करके रखिए, ये आपके काम में आएगा कि किस तरीके से केस स्टडीज पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या, वो भी कमेंट करना कृपया। अच्छा मुझे बताना, आप में से कितने लोग मुझसे ग्रुप वन पढ़ चुके हैं,
कितने लोग मुझसे ग्रुप वन का लॉ पढ़ चुके हैं जरा बताना कमेंट करके, समझ में तो आया लाइव स्ट्रीम में कितने लोग हैं। आयुष ने पूछा है एमसीक्यू कितने नंबर्स का आता है। आयुष मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं, चार पांच एमसीक्यूज आते हैं नॉर्मली, पांच वगैरह एमसीक्यूज आते हैं। 25 मार्क के केस स्टडीज में वो नियरली आपको 5 से 10 एमसीक्यू पूछते हैं, नंबर इसका फिक्स नहीं है बट नॉर्मली 5 से 10 पूछते हैं, ये मैं आपको बोल रहा हूं। और बचा हुआ जो 15-20 मार्क का रहता है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको पूछते हैं। अगर उन्होंने 5 मार्क के एमसीक्यू पूछे तो नियरली आपको 4 से 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, अगर उन्होंने 10 मार्क के एमसीक्यू पूछे तो आपको 3 से 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो दे सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों ने मुझसे ग्रुप वन में पढ़ा है जरा कमेंट करके बताना। चलो कोई नहीं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको भी दिक्कत नहीं है, और सौरभ आपने भी मुझसे अगर नहीं भी पढ़ा तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन पढ़ाते ही ऐसे हैं जैसे अपन पहली स्टैंडर्ड के या 10वीं स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ा रहे उस हिसाब से ही पढ़ाते, तो कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगा, डोंट वरी। सर ये इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा था मैं कि मतलब समझ में तो आए कि भैया बच्चों का चॉइस नॉर्मली क्या होता है, इसलिए। चलो बहुत बढ़िया, सो ईशिका, शुभम, आयुष एंड आई गेस हिमांशी, हिमांशी का तो जस्ट अभी अभी क्लास हुआ, ये सब मुझसे पढ़े हुए हैं, कल ही खत्म हुआ क्लास देखा। सौरभ नहीं पढ़े, सौरभ टेंशन ना लेना जिंदगी में, आपको कोई भी क्वेरी आती है आप बिंदास पूछना, ठीक है। सिर्फ लेक्चर वन सौरभ आपने ठीक से देखना, जो मैंने मेंशन किया है पार्ट ए में जो लेक्चर वन वगैरह अपलोड किया होगा आपके लिए, वो जरा ठीक से देखना आपने, दैट्स ऑल। ठीक है, नहीं मिल रहा होगा तो आज मुझसे लिंक मांग लेना ग्रुप के ऊपर, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। चल लिखना हो गया, अगर लिखना हो गया तो डन बोल देना, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, लिखना हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सो यहां बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होता है कि 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ में हम कैसे जाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मेरा इंस्ट्रक्शन है कि GDPD वालों ने पार्ट ए देखना शुरू करना है। ठीक है, और जो लाइव स्ट्रीम वाले हैं वो मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, सो यहां से हम आज से टॉपिक के ऊपर शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, लाइव स्ट्रीम वालों के लिए GDPD वाले में जो देख रहे हैं गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले, वो पार्ट ए से देखना शुरू कर दीजिए प्लीज। ओके, सो आज के टॉपिक में, सो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ये सेपरेट लेक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं रेरा के लिए। सो आज के टॉपिक में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं गाइस, वो टॉपिक का नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ईयर है 2016। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो कोई भी लॉ पढ़ने के पहले बिना किसी समय को जाया किए हम स्ट्रेट अवे टॉपिक के ऊपर बैठने वाले हैं। ठीक है, GDPD वालों आपके लिए ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो सकता है, 2-2.5 घंटे का ही लेक्चर हो सकता है, तो भी रेडी रहना। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जस्ट हमने इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड किया था इसलिए। सो आज हम देखने वाले हैं टॉपिक द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट,
कोई भी लॉ पढ़ने के पहले इफ यू गोइंग टू रीड एनी लॉ, आपने उस लॉ की चार चीजें पढ़नी जरूरी है। ये मैं हमेशा मेंशन करता हूं। पहली चीज आपने पढ़ना जरूरी है कि उस लॉ का हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ द लॉ। ये चीज मैं पार्ट ए के अंदर मेंशन कर चुका हूं, जिन्होंने पार्ट ए नहीं किया लाइव स्ट्रीम के बच्चे याद रखना थोड़ा। सबसे पहली चीज आपने पढ़ना जरूरी है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ द लॉ। दूसरी चीज आपने पढ़ना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तीसरी चीज आपने पढ़ना जरूरी है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर। और चौथी चीज आपने पढ़ना जरूरी है, चैप्टर स्ट्रक्चर। कोई भी लॉ जब आप पढ़ते हो तो ये चार चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब नॉर्मली हम जो भी लॉ यहां पे देखने वाले हैं उसके अंदर हिस्ट्री, अथॉरिटी स्ट्रक्चर और चैप्टर स्ट्रक्चर मैं बोलूंगा, पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो आपने ढूंढ के लानी है। जिन्होंने मुझसे ग्रुप वन का लॉ पढ़ा है या पार्ट ए पढ़ लिया है, मैं उनको मेंशन करना चाहूंगा कि आपने शायद ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ढूंढना शुरू कर दिया। बट जो लाइव स्ट्रीम में नए आए हैं या सीधा पार्ट बी पे आए हैं, अगर कोई सीधा पार्ट बी पे आया है तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा पार्ट ए पूरा देखना बच्चों, ठीक। सो कोई अगर लाइव स्ट्रीम में आए हैं या सीधा पार्ट बी में आए हैं, उनको मैं मेंशन कर दूं कि हिस्ट्री, अथॉरिटी स्ट्रक्चर और चैप्टर स्ट्रक्चर तो रेरा के लिए मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए मैंने जैसे आपको मेंशन किया, आपको पार्ट ए का लेक्चर नंबर वन एंड लेक्चर नंबर जीरो एंड लेक्चर नंबर वन, या लेक्चर नंबर वन एंड लेक्चर नंबर टू, ये आपको देखना जरूरी है, जो आज आपने कंप्लीट कर लेना। फिर ही उसके बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी समझ में आएगा, क्योंकि नियरली 10-15-20 मिनट का कंसेप्ट है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो वहां पे एक्सप्लेन अच्छे से किया है। अब हम शुरू करते हैं रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट के हिस्ट्री से, कि भैया हम रेरा क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे सिलेबस में है, एक्सेट्रा। अब बड़े अच्छे से ध्यान देना, मैं एक्ट के साथ शुरू कर रहा हूं, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो ही समझ में आएगा। शुभम ने सवाल पूछा है, अच्छा आपने क्लास ली थी पहले लॉकडाउन में, चलो बहुत बढ़िया शानदार, मजा आया होगा फिर आपको। सो अभी हम शुरू करते हैं रेरा के हिस्ट्री के साथ में, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, स्लोली जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, समझेंगे कि रेरा क्या है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑब्वियसली ये बात करता है रियल एस्टेट की। जब हम बात करते हैं फॉर द वर्ड रियल एस्टेट, इसके अंदर कई सारी चीजें आती है, जैसे लैंड, बंगलोज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, कमर्शियल शॉप्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, शोरूम्स, कमर्शियल स्पेस, एम्यूनिटी स्पेसेस, क्लब हाउस, जिम्नेशियम स्पेसेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्लेसेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी प्लेसेस, मैरिज हॉल्स, सेरेमोनियल हॉल्स, गार्डन्स, बैंक्वेट्स, लॉजिंग एंड बोर्डिंग प्रिमाइसेस। सो नियरली 15-20 चीजें मैंने आपको गिनवा दी कि रियल एस्टेट के अंदर कितनी सारी चीजें आ सकती है। एनीथिंग विच इज अ काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट एनीथिंग विच इज अ काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर्ड एज अ रियल एस्टेट। जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है हम उसको रियल एस्टेट कह सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर ट्रीज, प्लांट्स इज नॉट रियल एस्टेट, झाड़ पेड़ पौधे ये रियल एस्टेट में नहीं आते। हाँ वो लैंड के पार्ट में आते हैं, जब तक के वो लैंड से अटैच्ड है तब तक के, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है।
सो यहां हम लॉ पढ़ने वाले हैं जो है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट. हमको रियल एस्टेट को रेगुलेट करना है, उसको एक स्पेसिफिक दायरे में डालना है, स्पेसिफिक दायरे में बांधते हुए उसको लेके जाना है, पर स्पेसिफिक दायरे में बांधते हुए भी हमें रियल एस्टेट को डेवलप करना है. ऐसा कहां जाता है, ऐसा कहां जाता है कि जिस कंट्री का रियल एस्टेट बहुत स्ट्रांग होता है, जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है, वो कंट्री में पॉपुलेशन भले ही कितनी भी ज्यादा हो पर पॉपुलेशन की वजह से क्राइसिस नहीं होते. आप सोचना, इंडिया ये सेकंड टॉप कंट्री है इन द वर्ल्ड जहां पे 135 करोड़ की जनता है, 135 करोड़ की जनता. चाइना में इससे ज्यादा पॉपुलेशन है, पर चाइना की टेक्नोलॉजी उससे एडवांस है. बट आपने याद रखना, हमारे यहां ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी कंट्री जैसे तैसे चल रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है रियल एस्टेट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का. एक बहुत बड़ा हाथ है रोड्स का, ब्रिजेस का, डैम्स का, मेट्रोज का. आज के डेट में आपने देखना हर सिटी में, हर शहर में, हर बड़े शहर में, एटलीस्ट टू टायर सिटी में मेट्रोज का काम चल रहा है. जिस चक्कर में वो सड़कें निकाल दे रहे, बोले मेट्रो बन तो रही है, सड़कों की क्या जरूरत है. सो रियल एस्टेट के अंदर हम सभी टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, जैसे रेलवेज, मेट्रोज, डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, ये छोड़ के. हां, अगर टाउनशिप के अंदर का रोड वगैरह है तो हम उसको कवर करेंगे. अगर स्पेसिफिक टाउनशिप कोई कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके अंदर के रोड्स वगैरह को हम कवर करते हैं. सो सिंपली रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का एक ही मीनिंग है, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को रेगुलेट करना और रेगुलेट करते हुए उसको एक सीमित दायरे में बांधे रखना, बट एट द सेम टाइम डेवलप करना. हर लॉ का एक सेंटिमेंट होता है बच्चों, जरा गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं. हर लॉ का एक सेंटिमेंट होता है कि वो लॉ किसको प्रोटेक्ट और बेनिफिट करना चाहता है, वो लॉ किसको सेफ रखना चाहता है, किसको बेनिफिट देना चाहता है. हर लॉ का एक सेंटिमेंट होता है, और मार्क माय वर्ड, रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट जो सेफ्टी और प्रोटेक्शन देना चाहता है, वो देना चाहता है इन्वेस्टर को. इन्वेस्टर को यहां पर सेफ्टी देना चाहता है, इन्वेस्टर को यहां पर बेनिफिट देना चाहता है, इसलिए यह लॉ बनाया गया है. क्योंकि इन्वेस्टर ये लेमैन है, कॉमन मैन है, और जब कभी भी कोई इन्वेस्टर बिल्डर लॉबी से भिड़ता है, आपको शायद नहीं पता, जब कभी भी कोई इन्वेस्टर बिल्डर लॉबी से भिड़ता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है कि बिल्डर लॉबी किस तरीके से होती है. अब वो उनकी भी कोई गलती नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्डर्स जो कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स होते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ इतने कंसर्न में आते हैं कि उनको उनके सिवा, मतलब वो जिस तरीके से कई सारे बिल्डर गुंडागर्दी वगैरह में, कई सारे बिल्डर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी उनके बिहेवियर उस तरीके से हो गए, जिस वजह से उनके बिहेवियर एक्सप्लॉयटेशन वाले हो गए हैं. और उस वजह से सभी बिल्डर ऐसे होते हैं जरूरी नहीं है, कुछ बहुत अच्छे बिल्डर्स भी है जो भैया पैसा लेते हैं, एक हाथ पैसा लेते हैं, एक बात प्रॉपर्टी लेते हैं, काम खत्म करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते. पर मैक्सिमम बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर को एक्सप्लॉयट करने के कगार पे आ जाते हैं, और ये एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसलिए हम रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं कि भैया बिल्डर्स इन्वेस्टर का एक्सप्लॉयटेशन ना करे, इसलिए हम रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट को देख रहे हैं कि भैया इन्वेस्टर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा. अब आप बोलोगे सर रियल एस्टेट ही क्यों, रियल एस्टेट ही क्यों, और भी तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है. अगर मैं आपको इंडिया में बताऊं, इंडिया का अगर मैं आपको रिव्यू बताऊं, आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया में रियल एस्टेट का मार्केट कुछ इस प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है. उसके पीछे कई सारे रीजंस है. आप अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस टैली करो ना इंडिया में, कि कितने इंडिया में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है, उनको टैली करो और उनके रिस्क नेचर को टैली करो ना, तो रियल एस्टेट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नजर आता है. मतलब जिस बंदे ने खुद के लिए घर लिया है वो बंदा भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है एडिशनल. क्यों, इसके पीछे रीजन है, वो रीजन मैं आपको यहां बताना चाहूंगा. सबसे पहले इंडिया में रियल एस्टेट की डिमांड क्यों है, क्योंकि इंडियन कल्चर ही इस तरीके से डेवलप है कि हर बंदा सोचता है कि भाई मेरे को खुद का घर तो चाहिए ही चाहिए, मेरे को खुद का घर तो चाहिए ही चाहिए. हर बंदा सोचता है कि मुझे खुद का घर चाहिए, मतलब पाइजे, मतलब चाहिए. हालांकि मैं इसी के साथ आपको आज एक टिप देना चाहूंगा, एक टिप देना चाहूंगा, जरूर सुनना. अप टू द एज ऑफ 30 आप लोगों ने
टू द एज ऑफ 30 इयर्स आप लोगों ने खुद का घर नहीं लिया तो भी चल जाएगा, आप रेंटेड प्रीमाइसेस में रहे या लीज प्रीमाइसेस में रहे तो भी चलेगा अप टू द एज ऑफ 30। मैं पर्सनल आपको ओपिनियन दे रहा हूं, मेरे तरफ से मैंने जो सिखा उसके हिसाब से, आप रेंटेड प्रीमाइसेस के अंदर रहिए बट अप टू द एज ऑफ 30 मेक योर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल प्रीमाइसेस। अगर आपको रियल इस्टेट में ही डालना है तो कमर्शियल प्रीमाइसेस के अंदर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अप टू द एज ऑफ 30 रखिए, क्योंकि देखो अप टू द एज ऑफ 30 अगर आपका शादी भी हो गया तो भी आप दो लोग यंग हो, आप फैमिली प्लानिंग करने नहीं वाले, बाल बच्चों का प्लानिंग तो आप करने नहीं वाले। हाँ, जिसको क्रिकेट टीवी बनानी है कि नहीं सर मेरे को 10-12 बच्चे चाहिए, या जिनको घर से फोर्स ही होता है कि नहीं भाई 28-30 के पहले तो एक बच्चा दिखना ही चाहिए, जिसके मॉम डैड बोलते हैं नहीं हमारे बच्चों की किंकारी या हमारे पोतों की किंकारी और सुने बगैर हमारा दिन खत्म नहीं होगा, ऐसा अगर किसी के मॉम डैड उसको फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली बात है कि आपने रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस लेना चाहिए। पर अगर आप आज का जो कल्चर आजकल चलता है मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक में अप टू द एज ऑफ 30 दोनों लोग यंग रहते हैं, लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप रेंटेड प्रीमाइसेस में रहिए और कमर्शियल प्रीमाइसेस में इन्वेस्ट कीजिए, दिस विल हेल्प यू अलॉट। मैंने मेरा पहला घर लिया था नियरली 24 में, जब मैं 24 ईयर्स का था, 25 ईयर्स का था, मैंने मेरा पहला घर लिया था और इमीडिएटली एक साल बाद बेच भी दिया, जानबूझ के बेच दिया। उसके बाद मैंने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए कमर्शियल इन्वेस्टमेंट किए, अप टू द एज ऑफ 30 तुम्हारे अंदर वीगर रहता है, वीगर नहीं क्या कहते हैं उसको, डेरिंग रहता है, ताकत रहती है, फिजिकल एंड्यूरेंस रहता है, सेटल होने की कहीं जरूरत नहीं रहती है, तो स्टे इन रेंटेड प्रीमाइसेस। क्योंकि अगर आप अप टू द एज ऑफ 30 रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस या होम वगैरह में इन्वेस्ट करोगे, रेसिडेंशियल प्रीमाइस या होम वगैरह में इन्वेस्ट करोगे तो अगले 10-15 साल तक के आप ईएमआई ही पे करते रहोगे, 15-20 साल तक ईएमआई पे करते रहोगे, विच इज नॉट राइट। आपने 30 इयर्स ऑफ एज तक जितना पैसा आता है ना उसको ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए जहां से कम आपको सालाना 20% रिटर्न आए। हाँ, अगर आपके एरिया में रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस के रेट्स ही बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो कमर्शियल के डबल रेट से बढ़ रहे होंगे, तो आप कमर्शियल में पैसा डालिए, कमर्शियल से आपको तगड़ा रिटर्न भी आएगा एज अ रेंटेड इनकम, लीजिंग इनकम आपको तगड़ा इनकम आएगा, एट द सेम टाइम कमर्शियल प्रीमाइसेस के वैल्यूज बहुत स्ट्रांगली बढ़ते हैं। अच्छा एक लोकेशन ढूंढिए जहां कमर्शियल प्रीमाइसेस चल सकता है, रेसिडेंशियल में अप टू द एज ऑफ 30 इन्वेस्ट ना कीजिए अनलेस देयर इज अ फैमिली प्रेशर, अनलेस यू हैव अ फैमिली प्लानिंग। ये मेरे तरफ से टिप ले लीजिए, ठीक है, ये चीज को याद रखना। सबसे पहले इंडिया में भैया रियल एस्टेट की डिमांड तो इस वजह से बढ़ी है क्योंकि घर लेना ये सबसे सबका प्राइमरी रिक्वायरमेंट हुआ है, सबका प्राइमरी घर चाहिए भैया। माणसाचा 3 मूलभूत गरजा असतात, अन्न वस्त्र निवारा, फूड क्लोथ एंड शेल्टर, तो या शेल्टर सबको चाहिए, इसलिए रियल एस्टेट ये एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बनता है। दूसरा, आजकल बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में मनी पार्क करना रिस्की लगने लगा है बिकॉज ऑफ स्कैम, नीरव मोदी वाला घोटाला, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वाला घोटाला, ठीक है, ये इधर एसबीआई का किंगफिशर वालों ने लोन डुबा दिया वो वाला घोटाला, ठीक है, यस बैंक वाला घोटाला। सो आजकल इतने कोऑपरेटिव बैंक में तो आए दिन घोटाले चलते रहते हैं, ठीक है, जिनके आपने नाम नहीं सुने, डेली कोऑपरेटिव बैंक में हर महीने में एक कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला तो बाहर निकलता ही है। सो पार्किंग द मनी इज रिस्की बिकॉज ऑफ बैंक स्कैम, तो बैंक में इंसान पैसा रखना नहीं चाहता। और अब बैंक में पैसा भी रखोगे तो आप कितने परसेंट पे रखोगे, 6D FD का ऑप्शनल रेट है वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, वो भी अभी 5% के ऊपर जाते जा रहा है, फिक्स डिपॉजिट का रेट 5% के ऊपर जाने की कोशिश। कोऑपरेटिव बैंक में 10-11% देते हैं पर उसमें स्कैम होते हैं, जरूर होते हैं। सो 5-6% से यहां पे बैंक में आपको FD का रेट मिलता है, वो भी अच्छी बैंक, HDFC, SBI, ICICI, टॉप 4 बैंक में 5-6% के ऊपर आपको FD का रेट मिलता है। कोऑपरेटिव बैंक में आप पैसा रखोगे तो पैसा बचेगा कि इसकी गारंटी नहीं होती, तो पार्किंग मनी इन द बैंक इज अ काइंड ऑफ रिस्की। सोने में इन्वेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि सोना चोरी हो सकता है। स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, आज मिलेगा कल डूब जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते क्योंकि ये ऑफिशियल रिव्यू है कि जितने स्टार्टअप बनते हैं वो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। बहुत ही रेयर स्टार्टअप होते हैं जो स्विगी, जोमैटो, ओयो, पेक्ट्रो, फेसबुक, इंस्टाग्राम इनके जैसे वर्क करते हैं, बहुत ही कम स्टार्टअप होते हैं। 90% स्टार्टअप विद इन 3 इयर्स ऑफ पीरियड बंद हो जाते हैं, तो यह भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं रहा। रियल रेगुलेटरी अथॉरिटी नॉट इन द फेवर ऑफ इन्वेस्टर। ऊपर के किसी भी सिचुएशन में आपने देखना रेगुलेटरी अथॉरिटी ये जो इन्वेस्टर है ना उसके फेवर में है ही नहीं। आप देखो बैंक्स के अंदर जो RBI रहता है या जो बैंक रहते हैं वो आपके फेवर में नहीं है, वो सिर्फ डिपॉजिटर्स जो है उनका डिपॉजिट सेफ रखने के फेवर में है, वो आपको कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन वगैरह नहीं देते।
और बैंक तो बिल्कुल भी नहीं देते। गोल्ड अगर आप परचेस कर सकते हो तो इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे, सीबीडीटी आपके पीछे पड़ जाएगा, असेसिंग ऑफिसर आपके पीछे पड़ जाएगा अगर आपके पास रिसीट नहीं होगा तो। स्टॉक मार्केट के पीछे लगते हो तो सेबी भी आपके फेवर में नहीं है, सेबी खुद ही बोलता है कि भैया मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो खुद के रिस्क के ऊपर करो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अगर आप स्टार्टअप में जाओगे तो स्टार्टअप में ऐसा कोई अथॉरिटी ही नहीं है जो आपको फेवरिज्म दिखाए। तो बेसिकली ये सभी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जो है ना वो रिस्की लगते हैं। इसलिए इंसान को जब इन्वेस्टमेंट करना होता है, देखो 1-2 लाख की इन्वेस्टमेंट की बात है तो इंसान एफडी वेफडी करके छोड़ देगा, लेकिन इंसान के पास जब 10-15 लाख रुपए के ऊपर पैसा आता है ना तो इंसान हमेशा सोचता है रियल एस्टेट में डालूंगा। क्यों? रियल एस्टेट के एसेट्स के एडवांटेज है। पहले तो भैया टेंजिबल कुछ तो भी दिखता है जो कोई चुरा के नहीं लेके जा सकता कि भैया ये बिल्डिंग है, ये घर है, ये बंगलो है, ये प्लॉट है, ये मेरा है, कोई चुरा के लेके नहीं जा सकता। ये सबसे पहला एडवांटेज है कि भैया प्रॉपर्टी दिखती है, दिल में अच्छा गुड फील, ऑल इज वेल वाला फीलिंग आता है दिल के अंदर क्योंकि प्रॉपर्टी सामने दिखती है। ये पहला। दूसरा, एक फिक्स रिटर्न शुरू हो जाता है। रेंटल इनकम बोलो, भले ही 2-3% टके से आपको रिटर्न मिल रहा है, पर ये 2-3% रेंटल इनकम है। कैपिटल एप्रिसिएशन तो बहुत ज्यादा होता है। आपको शायद नहीं पता, 2005 में मुझे याद है, मेरे कुछ जान पहचान के टीचर है, 2005 में उन लोगों ने फ्लैट लिया था पुणे में, 2007-8 में उन्होंने फ्लैट लिया था पुणे के अंदर, फ्लैट लिया था 27 लाख रुपीज का, सिर्फ 27 लाख रुपीज का फ्लैट लिया था। आपको यकीन नहीं होगा, अभी 2018 में 10 साल के पीरियड में 27 लाख का फैलहाल फ्लैट कितना होगा? मैक्सिमम डबल ट्रिपल कितना क्या लगता है? 90 लाख का फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, 10 साल में 90 लाख का, फाइन, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। जो 27 लाख का फ्लैट है 10 साल में 90 लाख का होगा, आपको यकीन नहीं आएगा, वो फ्लैट अभी 1,75,00,000 रुपए में बेचा 2019 में, 1,75,00,000। ऊपर से उसका रेंटल इनकम कमाया वो अलग, रेंटल इनकम तो मैंने इसके अंदर गिना ही नहीं, मैं सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन बोल रहा हूं। तो अगर रियल इस्टेट चल गया ना तो भाई साहब कैपिटल एप्रिसिएशन ही इतना मिल जाएगा। पूना का रियल इस्टेट मार्केट 2005 से लेकर 2020 तक के मेनी फोल्ड्स बढ़ गया, 5-7-8 times बढ़ गया पूना का रियल इस्टेट मार्केट, और कुछ कुछ एरियाज में तो 10-15 times के रिटर्न आना शुरू हुए, जैसे कमर्शियल प्रीमाइसेस। पूना का एक स्पेसिफिक एरिया है डेक्कन वाला, वहां पे कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेट अगर आप देखो 2005-2006 में, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का वहां पे रेट चलता था नियरली 7,000-8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, 7,000-8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। जो अभी अगर आप देखो 2020 में, तो आपको उसका रेट कम से कम मिलेगा 40,000-50,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। कितना मेनी फोल्ड इनकम विद इन पीरियड ऑफ 10-15 years। इसलिए लोग रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं क्योंकि एक फिक्स इनकम फ्लो शुरू होता है रेंटल के हिसाब से, और एक कैपिटल एप्रिसिएशन बनते जाता है जो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से अगर मैं आपको ऑफिशियल रिव्यू बताऊं, इस हिसाब से, तो 2019 में इंडिया में 12,000 करोड़ का रियल एस्टेट मार्केट था, 12,000 करोड़ का रियल एस्टेट मार्केट था, जो वुपिंग, आपको यकीन नहीं होगा यह चीज सुन के, जो वुपिंग पहुंच गया नियरली 65,000 करोड़ रुपीज तक के इन 2020, ठीक है। हालांकि 2020 में पेंडेमिक आ गया था, बट फिर भी ये ऑफिशियल रिव्यू मैंने निकाला है गूगल के ऊपर से कि भैया 12,000-15,000 करोड़, 12 भी नहीं 19,000 करोड़ का मार्केट था, जो वुपिंग 65,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और 2020 में अगर आप देखोगे ना, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फ्लैट वगैरह में नहीं हुए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फार्म हाउसेस में हुए बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। लोग घर पे बैठे बैठे बोर हो गए, तो जब उनको जरूरत महसूस हुई उन्होंने फार्म हाउसेस लेके रख लिया, और फार्म हाउसेस का मार्केट अभी बहुत ज्यादा हॉट चल रहा है। जो मेट्रो सिटीज वगैरह है उसके बाहर के तो फार्म हाउसेस तो बहुत स्ट्रांगली चल रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, पूना, बैंगलोर, इन सिटीज के बाहर जो फार्म हाउसेस है वो तो और भी स्ट्रांगली चल रहे हैं, उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट? सो अगर मैं आपको बोलूं तो 2019-20 में ये वुपिंग मार्केट बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ा। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं आपको कहना क्या चाहता था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ये सदियों से इंडिया में चलते आ रहा है, जिसके पीछे के रीजंस है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज अ टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट गिव्स यू मंथली इनकम, तो रियल एस्टेट मतलब 3-4% तो मंथली इनकम दे ही देता है, एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैन गिव यू अ ह्यूज कैपिटल एप्रिसिएशन, ह्यूज कैपिटल एप्रिसिएशन।
समझ में आ रहा है? इससे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांग हुआ। अब ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जब लोग अट्रैक्ट होना शुरू हुए तो जो बिल्डर लॉबी थी, प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स, जो बिल्डर लॉबी थी, उन बिल्डर्स ने इन्वेस्टर्स के ऊपर इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया, कोर्शन करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टर्स को बिल्डर्स ने डैमेज करना शुरू कर दिया। जैसे पुणे में यह कई बार हुआ, 2016 में रेरा आने के पहले ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस पुणे में हुए हैं। मतलब एक तो मुझे खुद को एग्जांपल पता है जिसको मैं आपके सामने रख सकता हूं कि भैया 2011 में आदमी ने फ्लैट बुक किया, फ्लैट प्री बुक किया, उसको कमिटमेंट दिया गया था कि 2015-12 में उसको फ्लैट का पोजीशन मिल जाएगा, जिस फ्लैट का पोजीशन 2015 तक के डिले हुआ, और डिले करने के बाद भी उसको जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया था प्री बुकिंग के वक्त फ्लैट में, एडिशनली जो अमाउंट दिया 2012 तक के, उस अमाउंट के ऊपर उसको इंटरेस्ट भी नहीं दिया बिल्डर ने। साथ में फ्लैट प्री बुक किया है तो आदमी तो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा था, तो उस रेंटेड अकोमोडेशन का ना रेंट मिला ना इन्वेस्टमेंट किया करने के ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट मिला। ऐसे प्रॉब्लम चलते रहते थे 2015-16 तक के। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2013 में सबसे पहला रेरा का बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, जो फिर बिल 3 साल तक के वापस से रीडेवलप किया गया, अमेंडमेंट किए गए, चेंज किया गया, अलग अलग चेंजेस करते करते वो बिल 2016 में पास किया गया और इंडिया में रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी करके, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, हालांकि एक्ट का जो शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, RERDA शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, बट नॉर्मली इसको लोग रेरा ही कहते हैं। तो पूरे एक्ट में जब मैं रेरा मार बोलूंगा तो आपने याद रखना है कि इट इज अ रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। क्लियर है? ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। सो बेसिकली देखा जाए तो ऑल एंड ऑल अगर मैं आपको सम अप करूं तो इंडिया में रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ये सबसे ज्यादा मात्रा में चलता है। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये भी फिक्स है कि लैंड इज अ गोल्ड, कुछ लोगों के दिमाग में ये फिक्स है कि लैंड इज अ गोल्ड, तो लोग तो लैंड को सोने जैसा मानते हैं तो कुछ लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं एज अ लैंड इज अ गोल्ड। तो इंडिया में रियल इस्टेट का मार्केट बहुत बड़ा है, साथ साथ में ये मार्केट बहुत तगड़े लेवल पे बढ़ रहा था, इसलिए बिल्डर्स इन्वेस्टर्स के ऊपर डैमेज करना चाहते थे, कोर्शन करना चाहते थे। उस डैमेज, उस कोर्शन को रुकने के लिए 2013 में पार्लियामेंट के सामने बिल रखा गया जो 2016 में पास हुआ एज अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, दैट इज कॉल्ड एज रेरा। ये है आपका रेरा का हिस्ट्री कि हम क्यों रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपका एक पेज ब्लैंक होगा, वो ब्लैंक पेज के ऊपर जो जो ये चीजें मैंने लिखी हुई है आप इसको नोट करना शुरू कर दीजिए। गो फॉर इट, फास्ट, फटाफट। समझ में आया क्या? कृपया मुझे कमेंट के अंदर बताइए। सुन के अच्छा लगेगा कि आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है तो चीजें थोड़ी सी आसान होगी, प्रॉपरली पढ़ा पाऊंगा। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया क्या। कुछ क्वेरीज है तो अभी मैं एंटरटेन करूंगा, जब आप चार्ट ड्रॉ करोगे तब मैं क्वेरीज को एंटरटेन करूंगा। बुक्स मिल जाएगी बेटा आयुष आपको, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिट्स में इसके अंदर कवरअप नहीं कर रहा हूं, रेरा नॉर्मली रिट्स को अप्लीकेबल नहीं होता बेटा। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो यूनिट्स होते हैं उसको रेरा अप्लीकेबल नहीं होता। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर व्हाट इज रिट्स, तो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिट्स इज नथिंग बट अ म्यूचुअल फंड ऑफ रियल इस्टेट। जैसे म्यूचुअल फंड में पब्लिक पैसा डालती है और वो शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, वैसे ही जब आप कंपनी में पैसा डालते हो और वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है उसे कहा जाता है रिट्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बेटा शुभम। सबको समझ में आ रहा है, कृपया कमेंट कीजिएगा।
लिखना हो जाए तो डन बोल देना प्लीज। चलो सबका डन हो जाए तो डन बोल देना। तीन लोगों का डन हो चुका है।
चार लोगों का डन हो चुका है, सो आई होप सो सबका हो गया होगा, ठीक है। सो यहां पे मैंने आपको रेरा का हिस्ट्री बोल दिया, नाउ लेट्स गो फॉर अथॉरिटी स्ट्रक्चर अंडर द रेरा, ठीक है। बहुत सिंपल अथॉरिटी स्ट्रक्चर है, प्राइमरीली रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंदर हर एक्ट में दो अथॉरिटी होती है, एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एक होती है जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ये रेरा के अंदर है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है रेरा में, एंड जुडिशियल अथॉरिटी है रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, रियाट जिसको कहा जाता है, ठीक है। रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल और उसके ऊपर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशियल अथॉरिटी है। नाउ व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड व्हाट इज जुडिशियल? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का मतलब होता है जो एक्ट का इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल करेगा, एक्ट किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से डेवलप होगा, कैसे वर्किंग प्रोसीजर होगा, ये चीजें जो कंट्रोल करेगा दैट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जो एडमिनिस्टर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, चीजों को चला रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और उसके नीचे आता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, दिस इज रेरा अथॉरिटी। तो इसके मैं लिखूंगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी, लॉन्ग फॉर्म में ही लिखूंगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है सर? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब नॉर्मली लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि रियल एस्टेट में जो लॉज और रेगुलेशन बनाने का काम होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। आपने कई बार देखना कि जो बिल्डिंग बनती है उसके सभी सर्टिफिकेशन, सभी अप्रूवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नॉर्मली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब लोकल गवर्नमेंट होता है। जैसे मैं पूना में हूं तो पूना का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र का रेरा अथॉरिटी, ये इसके अंदर वर्क करेगा, ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दोनों मिलकर साथ में महारेरा, हमारे महाराष्ट्र के अथॉरिटी को कहा जाता है महारेरा, महाराष्ट्र स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऐसा आपके स्टेट का भी अलग रहेगा, आपके स्टेट का भी सेपरेट रहेगा। यह एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंटेशन के लिए। जुडिशियल में आता है रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। व्हाट इज जुडिशियल अथॉरिटी? जुडिशियल मतलब जो बेसिकली बनाए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ जजमेंट। झगड़े हो गए, इधर आ जाओ, मारापीटी हो गई, इधर आ जाओ, बिल्डर और इन्वेस्टर में झगड़े हो गए, कस्टमर में झगड़े हो गए, इधर आ जाओ, बिल्डर ने इन्वेस्टर को मारा, इधर आ जाओ, इन्वेस्टर ने बिल्डर को मारा, इधर आ जाओ, दोनों एक दूसरे का पैसा नहीं दे रहे, इधर आ जाओ। तो झगड़े हो रहे हैं तो उसको रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल में लेके जाएंगे, उसके ऊपर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यह है अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ रेरा फिलहाल के लिए। आगे जाके अथॉरिटी स्ट्रक्चर और डेवलप होगा तब मैं आपको जरूर मेंशन करूंगा, ठीक है। तो कृपया इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट, लिखने के बाद डन बोल देना। लिखना हो जाए तो डन बोल देना बच्चों।
दो लोगों का डन हो गया है, एक दो लोग और डन कर दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। सो अगर आपका पढ़ना हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ व्हाट आई विश कि नियरली 1.5 घंटा हो चुका है, जीडीपीडी वालों के लिए काफी जल्दी ब्रेक हो जाएगा अभी, डोंट वरी। बट अभी ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का, क्योंकि लाइव स्ट्रीम वाले 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं। 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। गो फॉर इट फास्ट।
चलो वापस आ जाइए सब लोग, ब्रेक ओवर, सो फटाफट फटाफट वापस आ जाइए, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए मेरे को, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। आ गए तो कमेंट कर देना सर, आ गए करके वापस, तुरंत से भी पहले कमेंट कर दो वापस आए करके। अच्छा बहुत बढ़िया, आ गए सब लोग, शानदार। अब हम देखने वाले हैं बच्चों इंट्रोडक्शन टू रेरा, ठीक है, कि रेरा एक्ट वगैरह कब बना, कब पब्लिश हुआ वगैरह। तो उसके लिए रिगार्डिंग यहां पे एक पैराग्राफ दे दिया है, पैराग्राफ देने के बाद में प्रेजेंट सब जन आ गए, चलो बहुत बढ़िया शानदार। अब हम देख रहे हैं रेरा एक्ट किस तरीके से पास हुआ। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का जो बिल था वो पास किया गया राज्यसभा से ऑन 10th मार्च 2016, फिर लोकसभा में 15th मार्च 2016 को ये पास हुआ। पहले अपर हाउस में पास हुआ, फिर लोअर हाउस में पास हुआ। नॉर्मली हमेशा उल्टा होता है, पहले लोअर हाउस में पास होता है दैट इज लोकसभा, और फिर अपर हाउस में पास होता है दैट इज राज्यसभा। द बिल एज पास्ड बाय द पार्लियामेंट वॉज असेंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑन 25th ऑफ मार्च 2016। ये बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ वो प्रेसिडेंट ने अप्रूव करना चाहिए, प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया 25 मार्च 2016 को। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑन 25 मार्च 2016 जरा बताइए कमेंट करके, कौन था इंडिया का प्रेसिडेंट, मेरे देश के आजाद नागरिक को 18 साल के ऊपर के मेरे प्यारे नालायक को प्लीज मुझे बताइए हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2016। एनीवन बताओ हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2016। गूगल ना करना अभी जिंदगी के अंदर, गूगल करोगे बहुत मार खाओगे लाइफ के अंदर, गूगल ना करना। कभी गए ही नहीं थे, अच्छा बहुत बढ़िया। हु वाज प्रेसिडेंट नहीं पता इंडिया का 2016 में, कैसे मेरे देश, हे भगवान कैसे देशभक्त लोगों से पाला पड़ा है मेरा, प्रेसिडेंट भी नहीं पता 2016 में कौन था। अबे प्रणब मुखर्जी जी अभी अभी तो हुए, रामनाथ कोविंद जी के पहले वाले, कैसे होगा तुम्हारा। एनीवेज आगे, द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 वॉज पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट ऑन 26 मार्च 2016, 26 मार्च को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ। सेक्शन 2, सेक्शन 20 से 39, सेक्शन 41 से 58, सेक्शन 71 से 78, 81 से 92 ये नोटिफाई हुए थे फर्स्ट में 2016 को, और बचे हुए सब सेक्शन फर्स्ट में 2017, मतलब दो फेज में इंप्लीमेंटेशन हुआ था, एक 2016-2017। हालांकि अभी इस चीज का कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं है क्योंकि अभी तो हमको पूरा एक्ट ही पढ़ना है, ठीक है। फिर सवाल उठता है कि रेरा के पहले क्या सिचुएशन था और रेरा के बाद में क्या सिचुएशन बना। यह डिफरेंस मैंने डाला हुआ है जानबूझ के, सो यार आपको पता होना चाहिए कि भैया रेरा के पहले क्या प्रॉब्लम था और रेरा के बाद में क्या इश्यूज खत्म हुए। आ जाइए एक पेन उठा लीजिए कीवर्ड्स को मार्क करने के लिए, रेडी लेट्स गो। देयर वाज नो रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर। पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर के लिए कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं था, अभी रेरा एस्टैब्लिश हुआ है मतलब एक अथॉरिटी तो भी है प्रोटेक्शन के लिए। देयर वॉज नो अपीलेट अथॉरिटी फॉर मेकिंग कंप्लेन्स, बट अभी रियट है रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। नॉर्म्स ऑफ बिल्डर, डिफरेंट बिल्डर्स हैव डिफरेंट नॉर्म्स फॉर पब्लिक एट डिफरेंट रेट्स एरियाज, मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग बिल्डर खुद की मनमानी करते थे, खुद की मनमानी, कोई पर स्क्वायर फीट में कारपेट एरिया में बेचेगा, कोई पर स्क्वायर फीट में सुपर बिल्टअप एरिया में बेचेगा, कोई पर स्क्वायर फीट में बिल्टअप एरिया में बेचेगा। सो हर बंदा अपने अपने नॉर्म लगाए बैठा था। अब रेरा के वजह से क्या हुआ, ऑल द बिल्डर्स हैव टू फॉलो द सेम रेगुलेशंस। जैसे अगर आपको मैं बोलूं तो ये चीज अभी आपको काम में आएगी, ये चीज अभी आपको काम में आएगी, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड पर ध्यान देना। नॉर्मली जब आप रेरा में घुसते हो तो आपको तीन टाइप के एरियाज के साथ पाला पड़ता है, तीन टाइप के एरियाज के साथ। पहला है सुपर बिल्टअप, सुपर बिल्टअप एरिया। दूसरा है बिल्टअप एरिया और तीसरा है कारपेट एरिया। अब मैं थोड़ा सा रिवर्स तरीके से आपको समझाऊंगा। अच्छा हां एक और चीज बोल दूं, अगर बच्चों आपको रेरा बड़े
तगड़े लेवल पे समझना है ना, तो आप इसको ऐसा समझो जैसे आप खुद कोई फ्लैट लेने जाने वाले हो, खुद कोई फ्लैट लेने जाने वाले हो, खुद कोई कमर्शियल प्रीमाइसेस लेने जाने वाले हो, ऐसा तुम खुद इन्वेस्ट करने वाले हो, क्योंकि कभी ना कभी तुम घर लोगे। तो इस एक्ट को ऐसा देखो जैसे खुद कोई फ्लैट लेने वाले हो, तुमको सभी प्रोविजन एकदम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी और याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बहुत नॉर्मल है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है। मैं पिछले जिंदगी अभी एक दो साल पहले मैंने मेरा फ्लैट परचेस किया, मैंने बोला था 30 के बाद में फ्लैट परचेस करना चाहिए, तो अभी अभी मैंने मेरा पहला फ्लैट परचेस किया। ठीक है, मैं बताऊंगा भी किस तरीके का फ्लैट मैंने परचेस किया, सुपर बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया, ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा भी किस तरीके से होता है, तो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। कार्पेट एरिया का मतलब होता है बच्चों कि घर के अंदर जितना एरिया आप यूज कर सकते हो दैट इज कॉल्ड कार्पेट एरिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कार्पेट एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, एक छोटा सा रूम बनाते हैं ऊपर के व्यू वाला, जैसे आपको नॉर्मली ऊपर का ब्लूप्रिंट वाला व्यू नहीं होता, या आपने कभी फ्लैट वगैरह के जो 3D लेआउट्स वगैरह होते हैं, 3D नहीं 2D लेआउट्स होते हैं, ऊपर से व्यू दिखता है, तो एक ऊपर के व्यू वाला मैं आपको एक रूम का, सिर्फ रूम का बताना चाहूंगा, पूरे फ्लैट का तो मैं बता नहीं सकता, सो सिर्फ एक रूम का मैं बताऊंगा। ठीक है, मेरे को ड्राइंग में भी पूरे के पूरे मार्क्स मिलते थे, मेरा ड्राइंग भी काफी अच्छा था। समझो दिस इज अ रूम। ठीक है, और इस रूम में लेट्स से यहां पे दरवाजा है, देयर इज अ डोर। ठीक, और ये वॉल है, दिस इज अ वॉल। रेरा पढ़ना है तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। व्हाट इज कार्पेट एरिया? रूम के अंदर का ये जो एरिया आपको यूज करने के लिए मिलता है, पूरा रूम के अंदर का ये जो एरिया आपको यूज करने के लिए मिलता है, अ यूजेबल एरिया, जिसके अंदर आप आपका फर्नीचर रखते हो, आप आपके वार्डरोब्स बनाते हो, स्टूल्स वगैरह रखते हो, दिस एरिया इज कॉल्ड एज कार्पेट एरिया। दिस एरिया इज कॉल्ड एज कार्पेट एरिया। ये आपका कार्पेट एरिया है, ये यूजेबल एरिया है, ये आपका यूजेबल एरिया है। इस एरिया के अंदर आप टहल सकते हो, अपना फर्नीचर रख सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो। इस एरिया में आप अगर ऐड कर दो वॉल वायर एरिया, इफ यू ऐड वॉल एरिया, सर वॉल का भी एरिया होता है? हां बेटा, अगर आप वॉल का एरिया मानो, वॉल का भी एरिया होता है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल वॉल नॉर्मली दो टाइप की आती है, अगर आपको नहीं पता तो, एक आती है 9 इंची वॉल, 9 इंचेस वॉल, और एक आती है 4 इंचेस वॉल। नॉर्मली घर के अंदर की जो वॉल्स रहती है ना, घर के अंदर की जो वॉल्स रहती है वो नॉर्मली 4 इंचे वॉल रहती है, नॉर्मली एक ब्रिक वाली वॉल रहती है, एक ब्रिक जो आती है ना ब्रिक, वो 4 इंचेस की रहती है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है जिंदगी के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग सिखानी पड़ रही है तुमको, कैसा होगा जिंदगी के अंदर। एनीवेज, तो एक 4 इंची वॉल रहती है और एक 9 इंची वॉल रहती है जो आउटर वॉल रहती है। 4 इंची वॉल इज अ काइंड ऑफ इनर वॉल, इनर वॉल्स ऑफ द होम। किसी भी घर के अंदर के वॉल नॉर्मली 4 इंची रहते हैं। आउटर वॉल जो रहते हैं, आउटर वॉल, बाउंड्री वॉल, जहां आपका घर फिनिश होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी रूम है और इसके बाहर खिड़की है, तो ये जो खिड़की, खिड़की के बाहर पूरा बाहर का एरिया, तो ये जो खिड़की वाली वॉल होगी वो नॉर्मली 9 इंचेस की होगी। इट इज अ डबल लेयर, इट इज अ डबल लेयर वॉल। वन सेकेंड होल्ड करना, सो आउटर वॉल जो होती है वो नॉर्मली डबल लेयर वॉल होती है। अगर आप कार्पेट एरिया में वॉल एरिया ऐड कर दो, साथ में अगर आप यूजेबल डक्ट ऐड कर दो, सर व्हाट डू यू मीन बाय डक्ट? डक्ट का मतलब होता है, समझो एक ऐसा पैसेज होगा, ठीक है, आपके घर के बाहर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर समझो आपका वॉशरूम है, WC, ठीक है, WC भी कार्पेट एरिया के अंदर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो भी तो आप यूज करते ही हो ना, और उसके बाहर वॉल के बाहर के साइड से एक ऐसा डक्ट होगा जिसमें से सब पाइप्स, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिक्स, ये सब चीजें जाती होगी, पाइप, फिटिंग, इलेक्ट्रिक्स, सैनिटेशन, सीवेज वाली चीजें, उसे कहते हैं डक्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो जब आप कार्पेट एरिया प्लस वॉल एरिया प्लस डक्ट एरिया
प्लस आपका टेरेस या बॉल्कनी ये आप ऐड कर दोगे तो आपका बनता है बच्चों बिल्टअप एरिया, जो अब तब आपका बनता है कौन सा एरिया बोले एक बार जो से बिल्ट अप एरिया, एक बांधा हुआ एरिया जो आप यूज करते हो एक्चुअली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे कहते हैं बिल्ट अप एरिया। जैसे वॉल को आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करते हो, पाइप सैनिटेशन सीवेज को आप इनडायरेक्टली यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज बिल्ट अप एरिया। क्लियर है? इस बिल्ट अप एरिया में जब आप एड करते हो स्पेस, प्रोपोर्शनेट स्पेस, जब आप एड करते हो प्रोपोर्शनेट स्पेस फॉर एम्यूनिटीज और कॉमन पैसेज, जब आप इसके ऊपर ऐड करते हो प्रोपोर्शनेट स्पेस फॉर एम्यूनिटीज एंड कॉमन पैसेज, फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लैट लिया है उस सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, आपने फ्लैट लिया उस सोसाइटी में किड्स प्ले एरिया है, आपने फ्लैट लिया है उस सोसाइटी में जॉगिंग पार्क है, आपने फ्लैट लिया है उसके अंदर दो फ्लैट्स के बीच में कॉरिडोर होगा, कॉरिडोर वाला स्पेस, कॉमन पैसेज वाला स्पेस, आपने फ्लैट लिया है उस फ्लैट के अंदर जिमनेशियम है, क्लब हाउस है, तो ये सभी स्पेस तो सभी फ्लैट के ऊपर प्रोपोर्शनेटली ऑपोर्शन होगा ना। सो ये जो प्रोपोर्शनेट आपके फ्लैट के लिए जितना प्रोपोर्शनेट, जैसे आपके सोसाइटी में 100 फ्लैट है तो जितना कॉमन एरिया है डिवाइडेड बाय 100 फ्लैट, तो आपके फ्लैट का प्रोपोर्शनेट स्पेस इसमें ऐड किया जाएगा, ये प्लस पार्किंग एरिया वगैरह, ये स्पेस ऐड करने के बाद में जो आता है दैट इज कॉल्ड अ सुपर बिल्ट अप एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया। और आपको शायद नहीं पता, आपको जो बिल्डर बेचता है वो बिल्डर आपको जो बेचता है वो आपको बेचता है सुपर बिल्ट अप एरिया के हिसाब से, बिल्डर आपको जो भी कैलकुलेशन है वो सुपर बिल्ट अप एरिया के हिसाब से देखा क्योंकि उसने उतना स्पेस लगाया है। ये होता है आपका कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है आंसर? इसमें पैसेज, अब जैसा समझो ये हमारे डोर है, डोर के सामने समझो ये पैसेज है लंबा, इधर एक दूसरा रूम है, तो ये इसका आधा पोर्शन इस फ्लैट में आएगा, आधा पोर्शन इस फ्लैट में आएगा, तो वो बन जाएगा सुपर बिल्ट अप एरिया। क्लियर है? ये चीज का नॉलेज आपको बड़े अच्छे से होना चाहिए। तो पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूं, जो भी बिल्डर थे ना वो खुद सुपर बिल्टअप, बिल्टअप जो उनके मन में आता था वो सुपर बिल्टअप में डालते थे, जो उनके मन में आता था बिल्टअप एरिया में डालते, जो मन में आता कार्पेट एरिया में डालते थे। पर अब यह स्टैंडर्डाइज हो गया है, अब अलग अलग बिल्डर अलग अलग नॉर्म नहीं फॉलो कर सकते, उनको बताना पड़ेगा कि भैया कौन से रेट पे बेच रहे। साथ में अभी जो कैलकुलेशन ऑफ रेट होता है बड़े अच्छे से याद रखना, यह बड़ा स्टार मार्क पॉइंट है। जब रेरा आया था ना तो इस पॉइंट के बहुत चर्चे हुए थे। अभी यह बोला गया है कि पहले बिल्डर सब सुपर बिल्टअप एरिया के हिसाब से बेचते थे, अब बिल्डर्स को कारपेट एरिया के हिसाब से बेचना जरूरी है। अब अल्टीमेटली बिल्डर जो सुपर बिल्टअप एरिया का जो स्क्वायर फीट रेट होता था वो बढ़ा के उन्होंने अभी कारपेट एरिया को कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फ्लैट मिल रहा है, नॉर्मली सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया के बीच में कितना डिफरेंस होता है तो आई विल टेल यू। नॉर्मली आप जब कभी घर परचेस करने जाओ तो घर परचेस करने के हिसाब से इसको याद रखना, जो आपका कारपेट एरिया है बच्चों, जो आपका कौन सा एरिया है कारपेट एरिया है, इस कारपेट एरिया के ऊपर यह कारपेट एरिया आपके सुपर बिल्टअप एरिया का नियरली 70% कम से कम होना चाहिए। मतलब आपका सुपर बिल्टअप एरिया का 70% आपका कम से कम कारपेट एरिया होना चाहिए, यह घर खरीदने लायक है, अदरवाइज घर खरीदने लायक नहीं है। कई सारे बिल्डर्स तो 40-45% कारपेट एरिया के ऊपर ऐड करते हैं, मतलब आपका यूजेबल कारपेट एरिया प्लस आपका 40% एम्यूनिटी स्पेस वगैरह प्रोपोर्शनेटली आपके ऊपर डालते हैं और बताते हैं ये आपका सुपर बिल्टअप एरिया हो गया। पर ये फ्लैट खरीदने लायक नहीं है क्योंकि आपको यूजेबल, आप एम्यूनिटीज में जाके नहीं रहते, आप स्विमिंग पूल में जिमनेशियम में जाके नहीं रहते, आप रहते हो घर में, तो आपका कार्पेट एरिया आपको हमेशा ज्यादा चाहिए। बेस्ट कंस्ट्रक्शन वो माना जाता है जिसके अंदर कार्पेट एरिया प्लस सिर्फ 25% और बन जाता है आपका सुपर बिल्टअप एरिया। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, कार्पेट एरिया प्लस 25% इज अ सुपर बिल्ट अप एरिया। ऐसा अगर फ्लैट मिला तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है नॉर्मली। क्लियर है? तो नॉर्मली बिल्डर पहले समझो आपको 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बेच रहा है सुपर बिल्ट अप एरिया, 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर वो आपको सुपर बिल्ट अप एरिया बेच रहा है, तो अब रेरा बोलता है कि आप कार्पेट एरिया के हिसाब से बेचो, तो बिल्डर इस रेट को अब कन्वर्ट कर देता है नियरली 8000 रुपए पर स्क्वायर फीट फॉर कार्पेट एरिया। मतलब लेता तो उतना ही पैसा है, बट अभी जो भी डिविजन्स होंगे, जो भी आपके डिसीजन होंगे वो कार्पेट एरिया के हिसाब से होंगे। क्लियर है? कि अभी जो भी आप डिसाइड करोगे कार्पेट एरिया के हिसाब से डिसाइड होगा। इसलिए रेरा के अंदर ये बहुत बड़ा बज़वर्ड बन गया कि भैया सुपर बिल्ट अप एरिया पे अब कैलकुलेशन नहीं होंगे, अब कार्पेट एरिया के ऊपर कैलकुलेशन होंगे। क्लियर है? ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। इंटरेस्ट फॉर डिले, आपको पता है
पहले अगर कस्टमर डिलेड पेमेंट करता था ना तो कस्टमर को इंटरेस्ट देना पड़ता था डिलेड पेमेंट पे, पर बिल्डर अगर डिलेड पोजीशन दे तो उसके ऊपर बिल्डर इंटरेस्ट नहीं देता था, बिल्डर डिलेड पोजीशन के ऊपर कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता था। तो देखो अर्लियर कस्टमर हैव टू पे मोर एज ए इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पेमेंट, बट बिल्डर पेइंग बट देन पेइंग द बिल्डर ऑन द पोजिशन। जो बिल्डर डिलेड पोजिशन के ऊपर पे करता था उससे ज्यादा कस्टमर को पे करना पड़ता था। नाउ द कस्टमर एंड द बिल्डर हैव टू पे द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कस्टमर और बिल्डर को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं एज अ कंपेंसेशन टू ईच अदर, कि भैया अगर डिलेड पेमेंट हुआ तो भी बिल्डर कस्टमर 6% पे करेगा और डिलेड पोजिशन हुआ तो भी बिल्डर 6% इंटरेस्ट पे करेगा कस्टमर को। फिर डिविजन ऑफ द फंड्स, ये भी एक खतरनाक चीज है, इसको भी स्टार मार्क करके रखना। अर्लियर बिल्डर यूज टू डाइवर्ट द फंड्स टू वन ऑफ वन प्रोजेक्ट टू अनदर प्रोजेक्ट, नाउ द बिल्डर हैव टू मेंटेन 70% ऑफ फंड्स रिसीव्ड ऑफ द प्रोजेक्ट इन अ एस्क्रो अकाउंट। मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल यहां पर दे रहा हूं, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना फंड्स के लिए। समझो बिल्डर के दो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोई एक बिल्डर है, लेट्स से द नेम ऑफ द बिल्डर ऑल्सो, समझो कोई बिल्डर है, बिल्डर का नाम है लोढ़ा, ठीक है। लोढ़ा बिल्डर आपको शायद नहीं पता, मुंबई में एक सबसे बड़ा रेसिडेंशियल कमर्शियल अकोमोडेशन बना रहा है 132 स्टोरी, इसलिए हमने उसका एग्जांपल लिया। अब इसके दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट वन जो समझो चल रहा है अंधेरी में, प्रोजेक्ट वन जो चल रहा है समझो मुंबई में, और प्रोजेक्ट टू जो समझो चल रहा है पुणे में। अब उसको मुंबई प्रोजेक्ट में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा आया क्योंकि मुंबई में उसका नाम है, तो पहले बिल्डर क्या करता था कि इसका बहुत सारा पैसा वो पुणे प्रोजेक्ट में यूज करता था अर्लियर। अब बोला ऐसा गया है कि मुंबई प्रोजेक्ट के लिए जितना पैसा आया वो उसी अकाउंट में कम से कम 70% उसी अकाउंट में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको 1 करोड़ रुपए आया मुंबई प्रोजेक्ट के लिए, 1 करोड़ रुपए अगर समझो इसको आया तो 1 करोड़ रुपए में से 70 लाख रुपीज उसको रखना पड़ेगा उसी एस्क्रो अकाउंट में जो स्पेसिफिकली मुंबई प्रोजेक्ट के लिए बना है, और 30 लाख रुपीज वो फॉरवर्ड कर सकता है उसके किसी दूसरे प्रोजेक्ट में। ये रेरा बनाने के बाद हुआ, पहले क्या कर सकता था पूरा 1 करोड़ ट्रांसफर कर देता था, बट अभी सिर्फ 70% अलाउड है, मतलब उस प्रोजेक्ट का पैसा उसी प्रोजेक्ट में बना रहता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला, कस्टमर हैव टू टेक केयर, दूसरा वाला गारंटी वारंटी, कस्टमर हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल डिफेक्ट एंड प्रॉब्लम रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन आफ्टर सेल। बिल्डर ने एक बार फ्लैट बेच दिया, उसके बाद में कस्टमर बेचारा सफर करते रहता था, उसको फ्लैट मिलता था, रिपेयर्स निकलता था, मेंटेनेंस निकलता था, कई बार बिल्डर घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल, घटिया क्वालिटी के सैनिटेशन सीवेज वगैरह पाइपलाइंस वगैरह लगाता था, कई बार लीकेजेस होता था, तो कस्टमर को संभालना पड़ता था। अभी रेरा के अंदर बोला गया है कोई भी मेंटेनेंस है, कोई भी डिफेक्ट है, 5 साल तक के बिल्डर ही संभालेगा। मतलब आपका सैनिटेशन सीवेज कुछ भी लीक हो गया, वॉल के अंदर छेद गिर गए, रॉ मटेरियल की क्वालिटी खराब है, सब मेंटेनेंस आपको बिल्डर 5 साल तक के करके देगा। नेक्स्ट वाला डिफेक्ट इन टाइटल, पहले कस्टमर लायबल होता था डिफेक्ट इन टाइटल, कस्टमर को चेक करके लेना पड़ता था कि टाइटल सही है क्या, ठीक है। आपको पता है पुणे में एक केस हुआ था, एक बंदे ने एक ही फ्लैट 26 लोगों को बेच दिया, 26 लोगों को फ्लैट बेच दिया, जो रजिस्ट्री करने वाले ऑफिसर थे ना उनके साथ भी उसकी साठगांठ थी। एक बंदे ने एक फ्लैट 26 लोगों को बेच दिया, फ्लैट का कीमत था नियरली 70 लाख रुपए के आसपास। आप सोचो 70 लाख का फ्लैट 27 लोगों को अगर उसने बेच दिया, 14-15 करोड़ रुपए बंदे ने कमा लिए, 15-20 करोड़ बंदे ने कमा लिए, और उसके बाद में देश छोड़ के भाग गया। हाँ, देश छोड़ के भाग गया, जो रजिस्ट्रार ऑफिस था उसको पकड़ना पड़ा, ये चीज हुई थी। अब अगर टाइटल में कोई डिफेक्ट निकलता है ना तो ये बिल्डर की लाइबिलिटी है लाइफ टाइम के लिए, और लाइफ टाइम के लिए मेंशन किया है बिल्डर की लाइबिलिटी, अगर आपके टाइटल में डिफेक्ट निकलता है तो बिल्डर को लाइफ टाइम तक के हो सकता है आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ये सभी रीजंस की वजह से आज के डेट में रेरा ये काफी अच्छा एक्ट करके चल रहा है, ये सभी रीजंस की वजह से। समझ में आया क्या, मुझे फटाफट बताइए कमेंट्स के अंदर कि समझ में आया क्या। साथ साथ में ये जो मैंने कारपेट बिल्टअप सुपर बिल्टअप वाला एरिया लिख के रखा है ये भी आप लिख के रखिए, ये आपके काम में आएगा, गो फॉर इट फास्ट, आगे बहुत काम में आने वाली चीजें, एज गुड एज इंजीनियर ही बन जाएंगे अपन आधे, ये बात को याद रखना, सिविल इंजीनियर, गो फॉर इट फास्ट।
लिखना होने के बाद डन बोल देना। एक बंदे का डन हो गया है और एक दो लोग डन कर दीजिए। हाँ चलो डन, दो तीन लोगों का लिखना हो गया, मतलब सबका हुआ होगा, डिफरेंस भी सबने पढ़ लिया होगा। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अब आते हैं नीचे चैप्टर स्ट्रक्चर के ऊपर। हिस्ट्री तो पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर के अंदर कुछ चीजें दी है, जैसे प्लिनरी रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड एजेंट्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल एस्टेट अपलेट ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, ऑफेंस पेनल्टीज एडजुडिकेशन, फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट्स, मिसलेनियस, ये सभी चैप्टर आपको एप्लीकेबल नहीं है। टेंशन मत लो, इसमें से सिलेक्टेड पोर्शन ही आपको एप्लीकेबल है। पूरे 92 सेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं है। पूरे अगर 92 अगर आपको आपका लोग एप्लीकेबल कर दिया तो आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी, ठीक है। और नियरली हमको 15-20 लेक्चर सिर्फ रेरा के ही लेने पड़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो पूरे एप्लीकेबल नहीं है, सिलेक्टेड एरियाज एप्लीकेबल है। फिर आता है प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट आर एस फॉलोज। ये प्रोमिनेंट फीचर्स की बात करें, इसको बिल्कुल अभी मत पढ़ना। दो तीन पेजेस के फीचर्स दिए, ये कोई फीचर्स होते हैं? ये मतलब ये क्या मतलब, क्या मतलब फीचर्स बोल रहे हो और जिंदगी के अंदर तीन पेजेस लिख दिए? फीचर्स कैसे लिखते हैं? चार पांच लाइन में लिखते हैं फीचर्स। इन्होंने तीन पेज में पूरे एक्ट का सार बना के छोड़ दिया, गीता का रहस्य चार पेजेस के अंदर, खत्म ही नहीं होते फीचर्स वो। अबे इतने कौन फीचर्स देता है? 67 पॉइंट के फीचर? फीचर बना रहे हो क्या, पिक्चर बना रहे हो? 67 पॉइंट्स, इसको पेंडिंग रखो जिंदगी के अंदर। ये पूरा एक्ट खत्म होने के बाद में पढ़ेंगे अपन। चार पेज, 4.5 पेजेस की फीचर कौन बनाता है लाइफ में? लिखो पेंडिंग, ठीक है। ये पूरा एक्ट जब खत्म होगा तब पढ़ना आराम से। पूरे फीचर तुमको एकदम पिक्चर के साथ में समझ में आ जाएंगे। अभी पढ़ेंगे तो घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा, पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आ जाइए, अब आते हैं नीचे स्कोप ऑफ रेरा में। हाँ, ये पढ़ने लायक है थोड़ा सा। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से, ये चीजें आपके बड़े काम में आएगी, ठीक है। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, ठीक है। आज हम स्कोप ऑफ रेरा कंप्लीट करेंगे बड़े अच्छे से, रेडी, लेट्स गो। द एक्ट कवर्स बोथ रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। बोले रेसिडेंशियल
कमर्शियल हम दोनों को कवर करते हैं, बात सिर्फ रेजिडेंशियल की नहीं है। द ऑन गोइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। ऑन गोइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो भी इस एक्ट में इंक्लूडेड है। एनी बिल्डिंग विच आर नॉट हैविंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आर कवर्ड एज ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। जिस बिल्डिंग के पास भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है उसको ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में कवर किया जाता है। सर 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 व्हाट डू मीन बाय ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये तो बताओ जरा। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, दो मिनट के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बताऊंगा, डोंट वरी। इसको हम साइड में लेके क्वेश्चन मार्क कर देंगे। द एक्ट नाउ मैंडेट्स द प्रोजेक्ट ऑन 500 स्क्वायर मीटर्स एरिया और ऑफ 8 फ्लैट्स टू बी रजिस्टर्ड विथ रेरा। 500 स्क्वायर मीटर के एरिया वाला प्रोजेक्ट या जिसमें 8 फ्लैट्स है वो प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रजिस्टर करना कंपलसरी है। चलो ठीक है। द बिल्डर हैज टू प्रोवाइड 5 years ऑफ वारंटी फॉर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग। दे आर लाइबल टू पे इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट और डिलेज। इक्वल इंटरेस्ट रेट है डिफॉल्ट डिलेज पे। अगर कोई दिक्कत आया वारंटी गारंटी में, 5 साल की वारंटी गारंटी है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए। टू अल्टर द प्रोजेक्ट प्लान स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लॉट ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग कंसेंट ऑफ मिनिमम 2/3 अलॉट इज रिक्वायर्ड। ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट प्लान है जिसके अंदर नियरली 100 लोगों ने अप्लाई करके रखा है, 100 लोगों ने, और उसको अल्टर करना है तो 2/3 अलॉटी ने उसको हां बोलना चाहिए। 100 में से 2/3 मतलब 66.67% ने जो अल्टरेशन है प्रोजेक्ट प्लान में उसको अलाउ करना चाहिए। प्रमोटर शॉल नॉट एडवर्टाइज मार्केट बुक सेल एनी प्लॉट अपार्टमेंट बिल्डिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन। कोई भी बुक सेल नहीं कर सकते आप प्लॉट और अपार्टमेंट और बिल्डिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा। बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते रियल एस्टेट का। द रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एज मेंशन बाय द बिल्डर इन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको कंप्लीशन डेट देना पड़ता है उस दिन के, उतने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। द एडवर्टीजमेंट और अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय प्रमोटर शॉल मेंशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी के वेबसाइट के ऊपर आपका एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखना चाहिए। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरीके से है। द अलॉटी शॉल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक ऑल द पेमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एट प्रॉपर प्लेसेस। ठीक है। वेयर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज टू बी डेवलप्ड इन फेजेस एवरी सच अ फेज शॉल बी कंसिडर्ड एज अ स्टैंड अलोन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड प्रमोटर बिल्डर शॉल ऑप्टेन अ रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट फॉर द फेज सेपरेटली। चलो ये भी ठीक है। द रियल एस्टेट एजेंट हु इंटेंड टू सेल एनी प्लॉट फ्लैट रजिस्टर्ड अंडर द प्रोजेक्ट हैव रजिस्टर्ड विद द रियल एस्टेट रिस्पेक्टिव रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। चलो ये भी ठीक है। सर तुम पागल हो गए, जिंदगी के अंदर सिर्फ रीड किए जा रहे हो, हमें समझाएगा कौन? समझाऊंगा बेटा, जरूर समझाऊंगा। इसके पहले मैं चाहूंगा एक मिनट आप खुद भी लीजिए और पूरे पॉइंट्स एक बार वापस से पढ़िए, फिर इस कदर समझाऊंगा कि कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। एक मिनट लीजिए, पूरे पॉइंट्स वापस से एक बार पढ़िए, क्या चल रहा है, गो फॉर इट फास्ट, पढ़िए एक बार।
पढ़ लिया सबने, अब एक एक करके शुरू करते हैं मारा मारी, ठीक है। लेट्स गो, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल रेडी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा लाइफ में। सबसे पहले तो रेरा इज अप्लीकेबल फॉर रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रीमाइसेस दोनों को। रेसिडेंशियल में भले ही वो रेसिडेंस के लिए यूज हो रहा हो या प्रोफेशनल्स के लिए। ये क्या कह रहे हो सर आप जिंदगी में? हाँ, रेरा रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस को अप्लीकेबल होता है और ऑब्लिगैंड कुछ प्रीमाइसेस रेसिडेंशियल कमर्शियल मिक्स होते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, एक बिल्डिंग बांध दी, नीचे का पूरा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल है, जिसमें शोरूम है, शॉप्स है, सब है। सो इसलिए मैंने लिखा एंड ऑब्लिक और। सो रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस दोनों को अप्लीकेबल होगा, मिक्स है तो भी अप्लीकेबल होगा, कंबाइन को भी अप्लीकेबल होगा। अगर कोई रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है सिर्फ, जिसके अंदर रेसिडेंस एज वेल एज प्रोफेशन की बात की जा रही है। सर रेसिडेंस में कैसे का प्रोफेशन की बात की जाएगी? आपने कभी देखा है? ज्यादा दूर नहीं, हम लोगों में ही, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्लैट स्कीम में ऑफिस ओपन कर सकते हैं। डू यू नो दिस? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्लैट स्कीम में ऑफिस ओपन कर सकते हैं, मतलब वो कमर्शियल प्लेस नहीं भी रहा तो भी रेसिडेंशियल फ्लैट स्कीम है, उसमें भी आप ऑफिस ओपन कर सकते हो। ये तो ऐसा होगा कि रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में आपने खुद का ऑफिस डाल के रखा हुआ है। डॉक्टर्स रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कई सारे डॉक्टर्स रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में रहते हैं। लॉयर्स रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में खुद का ऑफिस ओपन करके रख सकते हैं। तो डॉक्टर, लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंजीनियर आर्किटेक्ट्स, इनको अलाउड है कि रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में प्रोफेशनल्स के ऑफिस डाले। सो अगर ऐसा, सो इधर लिखना चाहूंगा सीएस, सीएस, सीएमएस, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, इनको रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में प्रोफेशनल ऑफिस डालना अलाउड है। तो अगर ऐसा भी कोई रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल्स के ऑफिसेस है तो भी उसको रेरा एप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज जो कमर्शियल है उसको तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। नीचे, भले ही ये प्रीमाइसेस अंडर कंस्ट्रक्शन हो बच्चों, या ये प्रीमाइसेस कंप्लीटेड क्यों ना हो। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब ऑनगोइंग प्रीमाइसेस है जिसके अंदर कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बेसिकली मिला है या नहीं मिला है। कंप्लीटेड में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है ये बोला गया है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला, या कंप्लीटेड में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है। यहां लिखना चाहूंगा थोड़ा सा अलग तरीके से, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिसीव्ड और नॉट, और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी नॉट रिसीव्ड। मतलब कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है भले ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला हो या ना मिला हो, या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है भले ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ऑब्वियसली ना मिला हो तो भी रेरा अप्लीकेबल होता है। और किस तरीके से अप्लीकेबल होता है, अभी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको मार्क करके रखता हूं। मैंने आपको बोला है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का आप बेसिक मतलब यह समझ लीजिए कि जब लोग आके रहना शुरू कर सकते हैं उसको हम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं। सो भले ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला हो ना मिला हो, ठीक है, भले ही प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हो या कंप्लीटेड हो, रेरा एप्लीकेबल होगा। अगर अगर एरिया ऑफ प्रोजेक्ट इज 500 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा, और फ्लैट्स जो इन्वॉल्व है वो फ्लैट्स 8 से ज्यादा अगर फ्लैट इन्वॉल्व है तो रेरा एप्लीकेबल हो जाएगा, दोनों में से कोई भी कंप्लाई किया तो। अगर कंस्ट्रक्शन का एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है या नंबर ऑफ फ्लैट्स 8 से ज्यादा है, 8 फ्लैट से ज्यादा फ्लैट्स अगर आपके स्कीम में है, भले ही वो 1 BHK हो, 2 BHK हो, 10 BHK हो, वन रूम किचन हॉल हो, डजंट मैटर, 8 से ज्यादा फ्लैट्स आपके स्कीम में है और एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, दोनों में से कुछ भी कंप्लाई किया, रेरा आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। सर व्हाट इफ, सर व्हाट इफ प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, फ्लैट भी 8 से ज्यादा है, क्या रेरा एप्लीकेबल होगा? यस, रेरा यहां पे बकायदा एप्लीकेबल होगा। क्यों एप्लीकेबल होगा? बिकॉज बोथ कंडीशंस आपने कंप्लाई किए हैं। सर 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 व्हाट इफ प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर के नीचे है, सर 500 स्क्वायर मीटर के नीचे है सर, बट फ्लैट सर 8 फ्लैट है, 1 BHK के 8 फ्लैट है सर, तो रेरा एप्लीकेबल होगा? यस, बिकॉज नंबर ऑफ फ्लैट्स आर मोर देन इक्वल टू 8। सर व्हाट इफ अगर प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर है बट नंबर ऑफ फ्लैट्स सर 8 के नीचे है,
500 स्क्वायर मीटर के ऊपर का प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ फ्लैट 8 के नीचे, ऐसा क्या बांध रहे हो सर? 6 बीएचके, 7 बीएफके, बीएचके समझ में आता है ना, बेडरूम किचन हॉल, बीएचके बेडरूम हॉल और किचन, 6 बीएचके मतलब 6 बेडरूम हॉल एंड किचन, सर 6 बीएचके का स्कीम है, बिल्कुल रेरा एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट ये 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है। सर अगर प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर से कम है और फ्लैट भी 8 से कम है, रेरा एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं बेटा, यहां रेरा एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर है कंसेप्ट? सो 500 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा चाहिए और 8 फ्लैट से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन चाहिए तो ही रेरा एप्लीकेबल होता है। यह चीज मैंने यहां पर लिख के रखी है, ठीक है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपका पेंडिंग है, मैं इस चीज के ऊपर वापस से आऊंगा एक बार ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पढ़ाने के बाद। फिलहाल आप इस डायग्राम को सिर्फ लिख के रखिए साइड वाइज में, जहां पे और यहां स्कोप दिया है रेरा का, उसके साइड के पेज के ऊपर आपको इसको लिख के रखना है। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया क्या अभी तक? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट छोड़ के बाकी समझ में आया क्या? कृपया कमेंट करके बताइएगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। लिखना डन हो गया तो ये भी लिख लीजिए साइड का।
चलो डन एवरीबडी, लिख लिया सबने। अब सवाल उठता है सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जिंदगी में ये तो समझा दो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, सर सस्पेंस में ही मर जाएंगे हम। आप अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं समझाओगे सर, हो सकता है सस्पेंस में ही निपट जावे। तो आ जाइए बच्चों, सिर्फ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या, मैं आपको तीन डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट समझाता हूं जो रेरा के अंदर आते हैं। तीन अलग अलग सर्टिफिकेट, सिर्फ ऑक्यूपेंसी क्यों, तीन अलग ले लो। सबसे पहला कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, इसका भी डेफिनेशन हम देखेंगे लेकिन फिलहाल बता रहा हूं। जब कभी भी रेरा में आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको एक ब्लूप्रिंट सबमिट करना होता है, एक प्लान, एक डिजाइन कि किस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हो। ब्लूप्रिंट्स देते हैं, डिजाइन देते हैं, बिल्डिंग का डिजाइन देते हैं, उसमें कितनी इंची वॉल, कितनी लेंथी वॉल, कितने कॉलम्स, कितना एमिनिटी स्पेस, ठीक है, कितना पार्किंग, कितना गैरेज, कितना कॉमन फैसिलिटी वाला स्पेस, ये सब डिजाइन देते हैं बिल्डर और प्रमोटर लोग रेरा अथॉरिटी को। रेरा अथॉरिटी को ब्लूप्रिंट सबमिट करते हैं, डिजाइनिंग, लेआउट, स्पेसिफिकेशन सब सबमिट करते हैं। ये सबमिट करने के बाद में लोकल अथॉरिटी या रेरा अथॉरिटी इनको परमिशन देता है, जाओ कंस्ट्रक्शन शुरू करो। दैट परमिट इज कॉल्ड एज कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कि यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग, यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, यू कैन स्टार्ट वर्क, यू कैन स्टार्ट डेवलपमेंट। सो जिस सर्टिफिकेट को मिलने के बाद बिल्डर खुद का काम शुरू कर सकता है कंस्ट्रक्शन का, उसे कहा जाता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। इसको बिल्डिंग परमिट, कंस्ट्रक्शन परमिट, वर्क्स परमिट, डेवलपमेंट परमिट भी कहा जाता है। यह लोकल अथॉरिटी, रेरा और अथॉरिटी या कंपिटेंट अथॉरिटी इशू कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टू स्टार्ट द डेवलपमेंट वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी एज पर सैंक्शन प्लान, सैंक्शन लेआउट्स, सैंक्शन डिजाइन। इसके हिसाब से आपको कई सारे लेआउट्स और डिजाइन्स देते रहते हैं, इसके हिसाब से आपको रेरा के अंदर डेवलपमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। यह सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो, आप कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करते हो और आगे जाके आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। सो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड एंड ड्यूरिंग अ पीरियड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया आपने, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हो आपको वापस से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसे कहा जाता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कि भाई आपने जो पहले हमको डिजाइन, लेआउट्स, प्लान्स वगैरह दिए थे, आपने उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया क्या। कंप्लीशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट एज पर सैंक्शनड प्लान, लेआउट, डिजाइन बाय अथॉरिटी, कि भैया आपने बकायदा जो हमें लेआउट दिया था, जो डिजाइन दिया था, जितना आपने एमिनिटी स्पेस बोला था, जितना आपने डिजाइनिंग बोला था, जितना आपने फ्लैट स्कीम्स का डिजाइनिंग बोला था, जितना आपने वॉल बोला था, जितना पार्किंग बोला था, जितना कंपाउंड बोला था, उसके हिसाब से आपने किया है क्या। इसलिए कभी भी आपने देखना नए फ्लैट के अंदर जब आप फ्लैट लेने जाओगे ना, मैंने आपको पहले बोला रेरा को ऐसा देखना जैसे खुद का घर परचेस करने जा रहे हो। अब जब आप घर परचेस करने आते हो, फ्लैट परचेस करने आते हो, आप फ्लैट को देखते हो, आपको लगता है कि यार ये फ्लैट में ना थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए, रूम इधर होना चाहिए, किचन इधर होना चाहिए, हॉल इधर होना चाहिए, तो आप कभी बिल्डर को पूछ के देखना कि भाई ये मैं चेंजेस कर सकता हूं, कि बिल्डर आपको एक ही चीज बोलेगा, हर वक्त एक चीज बोलेगा कि आप इंटरनली जो करना है सर वो करो, इंटरनली जो करना है करो, बाहर दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर के अगर डिजाइनिंग और लेआउट में कोई चेंजेस होते हैं तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट या अथॉरिटी आपको नहीं देता है। तो पहले आपको डिजाइन सबमिट करने पड़ते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई ये रहे डिजाइन, चलो हमें काम करने दो, तो आपको अलाउ करेंगे, जाओ आप कंस्ट्रक्शन शुरू करो। फिर ये कंप्लीट होने के बाद में आपको एक बार वापस से बताना पड़ता है पूरा कंस्ट्रक्शन के, देखो भाई हमारा ये डिजाइन था, ये डिजाइन है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कृपया इसको अप्रूव करो, ये कंप्लीट हो गया करके, ठीक है। सो इट इज अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो आपको अथॉरिटी देगा एज पर द लेआउट प्लान अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी या तो फिर रेरा, ये आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगा। और एक बार जो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया कि आपने प्रॉपरली प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है कंस्ट्रक्ट करके एज पर डिजाइन, एज पर लेआउट, एज पर प्लान, तो उसके बाद में फिर आपको लोकल अथॉरिटी या रेरा आपको देता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। ऑन कंप्लीशन एज पर प्लान एंड डिजाइन आपको यहां पे दिया जाता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है कि आइए, मतलब
आप अभी लोगों को रहने के लिए, लोगों को ऑक्यूपाई करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाइव कर सकते हो। मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद में लोग आके, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, फ्लैट खरीदे, वो लोग आके अब यहां पर रह सकते हैं। ठीक है, ये रहने का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इशूड बाय द अथॉरिटी फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ द बिल्डिंग विच हैव द सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में लोग आके रहना शुरू करेंगे, प्रोवाइडेड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको तभी दिया जाता है जब आपके सोसाइटी में वॉटर, आपके बिल्डिंग में वॉटर, सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी के मेन सप्लाईज अवेलेबल होंगे। वॉटर मतलब दो टाइप का पानी आपको सोसाइटी में अवेलेबल होना चाहिए, एक यूजेबल वाटर और आपका सेपरेट ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर को फिल्टर लगना चाहिए, प्लांट लगना चाहिए, उसके सिवा आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सैनिटेशन के अंदर आपके दो तीन टाइप के सैनिटेशन आने चाहिए, एक किचन सैनिटेशन, एक वॉशरूम सैनिटेशन मतलब टॉयलेटरी सैनिटेशन, ठीक है, और एक फायर प्लेस सैनिटेशन, फायर फाइटिंग सैनिटेशन। क्योंकि आपने कभी देखा होगा पुणे में ये रूल है, मुझे पता नहीं बाहर के सिटीज में ये रूल है क्या, पुणे में अगर कोई भी बिल्डिंग 11 फ्लोर से ज्यादा की बनती है, 11 फ्लोर या उससे अबव की बिल्डिंग बनती है, हर रूम में फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए, ये बोला गया है। हर रूम में फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, तो उसका भी सैनिटेशन देना पड़ता है। और सबसे आखिरी यूजेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के बाद में सैनिटेशन, सबसे आखिरी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी आपको दो टाइप से देनी पड़ती है। सबसे पहला आपको देना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लैट के लिए पर्सनली यूज होगा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जो कॉमन एरियाज के लिए यूज होगा, ठीक है, और तीसरा आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ बैकअप। और इसके अंदर भी अगर आप सोलर पावर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगाओ तो इसके अंदर सब्सिडी भी मिलती है, प्रॉपर्टी टैक्स भी कम पड़ता है। So, ये तीन टाइप के सर्टिफिकेट रेरा के अंदर बहुत बड़े फेमस है। जब आप डिजाइन लेआउट सबमिट करते हो तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। ये कंप्लीट आप कंस्ट्रक्शन करते नहीं हो तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि जो डिजाइन लेआउट सबमिट किया उसके हिसाब से आपने कंस्ट्रक्शन किया, कुछ भलता ही बना के रख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कि लोग आके रह सकते हैं, पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको वाटर सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी वाली फैसिलिटीज देने के बाद ही मिल सकते हैं। क्योंकि लोगों के बाद रहने लायक तो पोजीशन होना चाहिए, वाटर सैनिटेशन और इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा तो लोग रहेंगे कैसे? पीने को पानी चाहिए, धोने खाने पीने के लिए सैनिटेशन फैसिलिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह नहीं सकते। तो ये सब चीजें अगर रेरा में प्रेजेंट होगी तो तीन टाइप के सर्टिफिकेट आपको मिल सकते हैं। मैं चाहूंगा इसको भी आप लिख के रखिए। अच्छा, इसको आप कहां लिखोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां डेफिनेशन दिए है ना, डेफिनेशन, उन डेफिनेशन में आप इसको लिख सकते हो। कहां पर? आई विल जस्ट टेल यू। आप इसको पेज नंबर 3.10 के साइड में लिख सकते हो, 3.10 के साइड में या 3.11 के साइड में, कहीं पे भी लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तीनों डायग्राम को लिख के रखना, गो फॉर इट फास्ट, तीनों चीजों को लिख के रखना है, गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया क्या? प्लीज बताइएगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीम वालों को समझ में आएगा तो मैं मानूंगा कि जीडीपीडी वालों को समझ में आया। गो फॉर इट फास्ट।
डन एवरीबॉडी, हो गया सबका, हो गए हो कि नहीं? ओके सो अगर हो गया तो यहां पे आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी होता है खत्म, अगर नहीं हुआ है तो कृपया एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और आज के लिए हम क्लास यहां पे स्टॉप करते हैं। डेली आपका क्लास 3 घंटे का होगा, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के, ठीक है? बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक होगा, डेली इसके लिए रेडी रहना, ठीक है? तो आज हम क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद में कल हम वापस मिलेंगे सेम टाइम। अच्छा, वीक में 5 डेज क्लास है लाइव स्ट्रीमिंग वालों के लिए, जीडीपीडी वालों के लिए तो ये अवेलेबल रहेगा 20 तारीख के बाद, तो उनको टेंशन की बात नहीं है। वीक में 5 दिन क्लास होगा, आज संडे है, मैंने क्लास ले लिया। नॉर्मली आपको छुट्टी जो है वो नॉर्मली आपको रहेगी वेनसडे और संडे को, ठीक है? सिर्फ ये हफ्ते में थोड़ी इधर उधर छुट्टी रहेगी, तो आई विल टेल यू कब रहेगी। तो 5 डेज वीक क्लास रहेगा, मैं आपको मेंशन करूंगा कि कौन सा नेक्स्ट डे, क्योंकि यहाँ पावर कट के मैं छुट्टी मेरे लिए नहीं होती है नॉर्मली, छुट्टी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पावर कट के बहुत बड़ी इशू चलते हैं, क्योंकि मेरे घर के साइड में पूरे पुणे के डिस्ट्रिक्ट का नहीं, एटलीस्ट पूना सिटी मेन सिटी का पावर फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसके यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसके यहाँ पे पावर के इशूज चलते हैं। सो 5 डेज वीक क्लास रहेगा, जीडीपीडी वालों आप आराम से इसको देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपके लिए नियरली लाइन में ही लेक्चर्स रहेंगे। तो आज के लिए इतना काफी करते हैं बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। हाँ, आज सैटरडे है, माय मिस्टेक, आज सैटरडे है, ठीक है? तो आज हम क्लास लेंगे, कल संडे है, कल भी हम क्लास लेंगे नियरली, ठीक है? और हम या फिर मंडे को शायद हम छुट्टी रखेंगे इस बार, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा याद रखना। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बेटा, बाय बाय, सी यू।